प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज जेईई मेन का पेपर हो गया है और मैं अब जेईई मेन के जो पेपर हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूं जो कि इनफैक्ट आउट ऑफ कोर्स है, मेरे हिसाब से आउट ऑफ कोर्स है, बिकॉज ये रिलेटिविस्टिक डॉपलर्स इफेक्ट से रिलेटेड है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ हाफ द स्पीड ऑफ लाइट towards the stationary microwave source which is emitting the waves of frequency 10 gigahertz. What is the frequency of the microwave measured by the observer? ये question पूछा गया है and this problem is related completely with the Doppler's effect of light. And in fact ये relativistic Doppler's effect of light related है, क्योंकि यहाँ पे v जो speed है source की, v जो स्पीड है यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर की, वो c by 2 के इक्वल है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग जब अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि भाई कि डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट इन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वो क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है f इक्वल टू एफ नॉट रूट ओवर 1 प्लस v बाई सी डिवाइड बाई 1 माइनस v बाई सी, जहां पे v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर हो गई जो कि यहाँ पे c by 2 के इक्वल दे रखा है। तो v की जगह c by 2 जब प्लेस करेंगे तो इट विल कम आउट 1 प्लस 1 by 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 by 2, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट 10 इंटू रूट 3, क्योंकि f नोट जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे सोर्स की वो एमिट कर रहा है स्टेशनरी सोर्स 10 गीगाहर्ट्ज़ का, तो f नोट जो फ्रीक्वेंसी हो गई वहां पे आपका 10 गीगाहर्ट्ज़ हो गया। v की वैल्यू यहाँ पे आप c बाई 2 प्लेस करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 10 इंटू रूट 3 विच विल कम आउट 17.3 गीगाहर्ट्ज़। दैट मींस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेकंड, दैट मींस 17.3 गीगाहर्ट्ज़। मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आउट ऑफ सिलेबस है, और क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है डॉप्लर्स इफेक्ट ऑफ लाइट विथ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, राइट। हालांकि डॉप्लर्स इफेक्ट ऑफ लाइट एनसीईआरटी ने दे रखा है लेकिन विदाउट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट दे रखा है, ये आप देखेंगे तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर है डॉप्लर्स इफेक्ट ऑफ लाइट विदाउट एनी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तब यदि वो उसको लेके दिया जाता क्वेश्चन तब तो मैं कहता कि भाई सिलेबस के अंदर है, बट डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, राइट, जो कि डॉप्लर्स इफेक्ट ऑफ लाइट से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं एक और प्रॉब्लम के बारे में जो कि मैं समझता हूं कि वो भी प्रॉब्लम इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन के साथ है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। ये भी प्रॉब्लम इस साल जेईई मेन में अपीयर हुआ है और ये प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, बट मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम में कुछ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। अब प्रॉब्लम में एग्जैक्ट बता देता हूं क्या है, प्रॉब्लम की एग्जैक्ट वर्डिंग ये है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर About its perpendicular bisector is I, right? यहां तक तो ठीक है, but कहा गया what is the ratio of the value of L by R such that the moment of inertia is minimum, right? But हम लोग minimum कैसे करेंगे, क्या मतलब क्या कोई ऐसा condition तो दे ही नहीं रखा है problem में कि मैं क्या कैसे करूं minimum, right? तो ये एक confusing question में मैं समझता हूं। Exactly ये question ऐसा होना चाहिए कि इस cylinder की volume given है, जब तक कि volume given नहीं होगा तब तक यहाँ पे function तैयार कर पाना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एज ए फंक्शन ऑफ एल बाई आर मैं समझता हूं कि डिफिकल्ट है, राइट। तो देखिए वैसे प्रोसीजर मैंने इस प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व किया है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन कांस्टेंट, दैट मींस मास और डेंसिटी यहां पे इस सिलेंडर के कांस्टेंट है, इससे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई है और उसी बेसिस पे तब हम लोग इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ एल है, रेडियस इसकी आर मैंने ले लिया है, इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का होता है एमएल स्क्वायर बाय 12 प्लस एमआर स्क्वायर बाय 4, इससे एम बाय 4 कॉमन लीजिएगा तो अंदर आएगा एल स्क्वायर बाय 3 प्लस आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया कि एल बाय आर को मैंने एक्स ले लिया है क्योंकि मुझे एल बाय आर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमाइज करना है, इसलिए मैंने एक्स इक्वल टू एल बाय आर लेके काम कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, एल और आर को मैं एक्स के टर्म में लिखूंगा, बट लिखने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डेफिनेटली कॉन्स्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज लिखना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को पाई आर स्क्वायर ले लिया है जो कि मैं अज्यूम कर लिया हूं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन है, कॉन्स्टेंट है। अब L इक्वल टू एक्स आर है तो यहां पे L इक्वल टू एक्स आर प्लेस कर दिया गया। जब आप ये प्लेस करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाती है बी अपॉन पाई रेस टू द पावर 1 बाई 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 1 बाई 3। ध्यान सुनिए, L इक्वल टू एक्स आर जब यहां प्लेस करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, इस रेडियस की वैल्यू x के टर्म में ये आ जाती है बी अपॉन पाई रेस टू द पावर 1 बाई 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 1 बाई 3। अब r की वैल्यू यहां प्लेस कर दीजिए, r की वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे जो ये आपने निकाला, तो l आ जाएगा बी अपॉन पाई रेस टू द पावर 1 बाई 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2 बाई 3,
राइट। तो इससे एल और एक्स दोनों आपका, सॉरी एल एंड आर दोनों आपका एक्स के टर्म में आ गया है राइट। अब ये जो एल और आर जो दोनों आपका, ये एल और ये जो आर दोनों एक्स के टर्म में आए, यहां प्लेस कर दीजिए। तो जब आप ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां प्लेस करेंगे तो फंक्शन आपका तैयार हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इट विल बी इक्वल टू एम अपॉन फोर बी अपॉन पाई रेस्ट टू द पावर 2/3 इंटू 1/3 एक्स रेस्ट टू द पावर 4/3 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर -2/3। अब आई जो है एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, अब मैं आई को मिनिमाइज करना है तो ऑब्वियस सी बात है डी आई बाई डी एक्स में जीरो कर दूंगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि इसी को तो मिनिमम करना है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो को इक्वल करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/2, इसका मतलब एल बाय आर की वैल्यू जो होगी √3/2 होगा, दैट मींस द करेक्ट आंसर विल बी इनफैक्ट 4। तो प्रॉब्लम का आंसर तो गिवन है, बट मैं समझता हूं कि यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे क्या है कि डेफिनेटली इस सिलेंडर का वॉल्यूम स्पेसिफाइड होना चाहिए कि गिवन है, मतलब कॉन्स्टेंट है, तभी जाकर के मैं आई को एक्स के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं, तब मैं यहां पे वर्कआउट कर सकता हूं राइट। तो ये प्रॉब्लम है आपका जो कि इस पर जेई मेन में आया है। मैं समझता हूं कि इस प्रॉब्लम में इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग यहाँ पे जेई मेन 2017 में जो प्रॉब्लम एपियर हुआ है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसकी मास 10^-2 kg है और ये मूव करा एक मीडियम में, और ये पार्टिकल जो या बॉडी जो एक फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस फ्रिक्शन फोर्स एफ इज गिवन बाय एफ इक्वल टू -kv2। इसकी इनिशियल स्पीड वी नोट दे रखी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, और कहा गया कि 10 सेकंड के बाद इसकी एनर्जी जो जाती है 1/8 mv2 हो जाती है। तो पूछा गया यहाँ पे कि इस के की वैल्यू आप बताइए राइट। अब देखिए यहाँ पे पहली बात यह है कि मैं इन ऑप्शन में से ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना जाऊं तो दो ऑप्शन पे से बड़े आराम से आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि k का जो यूनिट है वो केजी पर मीटर है। k का देखेंगे तो आप यूनिट एंड डायमेंशन से चेक करेंगे तो k का यूनिट जो आएगा वो केजी पर मीटर आएगा। उसके हिसाब से तो आपका सीधी सी बात है पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन वैसे इलिमिनेट हो गया, तो आपके पास दूसरा और चौथा ऑप्शन रह गया। एक तो ये बात है, सपोज यदि ये प्रॉब्लम में मैं यूनिट वाइज ही हम लोग यदि इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली एक करेक्ट आंसर को पहुंच जाते तो मैं यूजुअल अप्रोच प्रॉब्लम के हिसाब से मैं एग्जाम में फॉलो नहीं करता और डायरेक्टली मैं उसी आंसर को लिख के आ जाता। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से जाया जाए तो उस केस में हमने सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, ये बात तो पक्का पक्का हो गया है राइट। तो कोई बंदा यदि चाहे तो गेस करना चाहे तो वो 50% प्रोबेबिलिटी के ऊपर तो आ ही गया है कि यदि वो सेकंड गेस करे या फोर्थ गेस करे तो अब उसके चांसेस हैं कि जहां पे वो पहले 1/4 पे प्रोबेबिलिटी पे बैठा हुआ था वो 50% या हाफ की प्रोबेबिलिटी पे बैठा हुआ है करेक्ट करने के लिए राइट। अब मैं यूजुअल अप्रोच को डिस्कस करता हूं। ये तो हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, नाउ द यूजुअल अप्रोच क्या रहेगा वो देखिए। सबसे पहली बात यहां पर क्या है कि फोर्स दे रखा है राइट। फोर्स से मैं यहां पे मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूंगा, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस मास इंटू एक्सेलरेशन विल बी dv/dt, दैट विल बी इक्वल टू -kv2। ऑब्वियस सी बात है मेरे को ये पता है कि एट t इक्वल टू 0 पे जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड है। यदि मैं 10 सेकंड पे इसकी स्पीड पता कर लेता हूं तो बाय इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे m पता है ही। अब देखिए यहां पे 10 सेकंड पे इसकी जो एनर्जी है जो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/8 mv2, क्योंकि यही तो एनर्जी है और एनर्जी किस फॉर्म में है बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/8 mv2 के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एम एम कैंसल आउट कर देंगे, v2/2 will be equal to v02/8। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी v02/2। बहुत सिंपल, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड आ गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया, मतलब 10 सेकंड पे बॉडी की जो स्पीड हो गई है अब 5 मीटर पर सेकंड हो गई है राइट। अब मेरे को k की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो चीज है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो करने के लिए क्या करेंगे, m, m की वैल्यू 10^-2 kg डाल दी गई है, dv/v2 -kdt, क्योंकि dt इधर चला जाएगा, v2 इधर आ जाएगा, तभी तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, जब टाइम जीरो था तो उस समय स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है,
जब टाइम 10 सेकंड हो गया तो उस समय इसकी स्पीड जो हो गई 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ के। अब db by v square का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि -1 by v होता है, v raised to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1, उसके हिसाब से -1 by v आ गया। The integration will take place from 10 to 5, right? और जो 10 से माइनस टू यहाँ पे जो मास था वो यहाँ पे रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन t, इट विल टेक प्लेस फ्रॉम 0 to 10। इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम 0 to 10। अब आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लेस करना है। आपको जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय प्लेसिंग द अपर लिमिट लोअर लिमिट तो k की वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी 10^-4 kg पर मीटर, राइट? तो ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा। हालांकि एक ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी जाया जा सकता है और एक इस अप्रोच पे भी जाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है। आगे मैं और भी कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ डिस्कस, आगे क्वेश्चन और भी डिस्कस मैं कर रहा हूँ। हालांकि मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है और ना ही बहुत आसान है, मतलब ये काइनेमेटिक्स और आपका बेसिक न्यूटन सेकंड लॉ की एक एप्लीकेशन है, तो ये मैं इसको एक मिडिल लेवल के क्वेश्चन में प्लेस कर सकता हूं, ना ही बहुत आसान, ना ही इजी क्वेश्चन में, ना टफ क्वेश्चन में, राइट? अब देखिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि देखते हैं क्या है इस साल के जेईई मेन के पेपर का। सीपी एंड सीवी आर द स्पेसिफिक हीट्स, ये बहुत की पॉइंट है, स्पेसिफिक हीट वाली बात, और ये एक ट्रिकी प्रॉब्लम है कहा जा सकता है, सिंपल लेकिन ट्रिकी प्रॉब्लम। वो ट्रिकी क्यों है, इसी टर्म की वजह से हो रहा है, स्पेसिफिक हीट की वजह से। यहीं पे यदि मोलर हीट कैपेसिटी होता तो बहुत ही आसान होता, सारे बच्चे कराते, जो करके आए वो करेक्ट होता, लेकिन है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये ऑब्जर्व किया गया कि सीपी माइनस सीवी की वैल्यू ए है हाइड्रोजन गैस के लिए, सीपी माइनस सीवी बी के इक्वल है नाइट्रोजन गैस के लिए, ए और बी का रिलेशन निकालना है। मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द बच्चे ए इक्वल टू बी करके आएंगे टू गेट -1। उसकी वजह क्या है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सबको याद होता है ये, लेकिन ये याद नहीं होता है कि सीपी एंड सीवी आर द मोलर हीट कैपेसिटीज एट दिस प्लेस। CP माइनस CV इक्वल टू R तब है जब CP और CV मोलर हीट कैपेसिटी हो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन यदि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाए पर यूनिट मास हो जाए तो उस केस में CP माइनस CV जो होती है R बाय मोलर मास ऑफ द गैस के इक्वल होती है। दैट्स द की पॉइंट, राइट? यही चीज है, यही वाली बात है, ट्रिकी प्रॉब्लम है ये। तो CP माइनस CV A के इक्वल है हाइड्रोजन के लिए, इसका मतलब R by 2 A के इक्वल है, क्योंकि मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, तो A इक्वल टू R by 2। CP माइनस CV B के इक्वल है नाइट्रोजन के लिए, तो R by 28 ग्राम B के इक्वल हो गया। That means 2A will be equal to 28B and hence A equal to 14B. This one is the correct relation between A and B. Hence the correct answer will be second. और यही वाली बात है, most of the बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हैं। ट्रिकी एंड सिंपल प्रॉब्लम, मैं ये कहूंगा ये सिंपल प्रॉब्लम है यदि किसी को पता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई एम होता है तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद नहीं रहता, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर के बेसिस पे ए इक्वल टू बी लगा के आ जाएंगे टू गेट -1, राइट? तो ये वाली बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जेई मेन का जो एक और प्रॉब्लम है जो इस साल अपीयर हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं, और मैं कहूंगा कि ये सर्किट का प्रॉब्लम है, सिंपल और ट्रिकी प्रॉब्लम है। अब क्यों ऐसा है, देखिए ट्रिकी इसलिए है यदि आप केसीएल केवीएल के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर गए तब तो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? अब मैं बताता हूं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी मतलब विद इन 1 मिनट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब देखिए आप ये सर्किट डायग्राम है, इन द एवव सर्किट, क्वेश्चन में एवव लिखा हुआ है, मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से तो ये सर्किट डायग्राम है, क्वेश्चन में एवव लिखा हुआ है इसलिए मैंने एवव लिख दिया है, राइट? वैसे यहां पे एवव दिख नहीं रहा है। तो इस सर्किट डायग्राम में ये 3 रेसिस्टर्स है 1 ओम का, तीनों के थ्रू करंट मुझे बतानी है, राइट? अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑब्वियस बात है ऑप्शन ये बता रहा है कि तीनों में एक ही करंट फ्लो करेगा, तीनों में डेफिनेटली एक ही करंट फ्लो करेगा, ऑप्शन तो यही बता रहा है, राइट? तो देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब यदि यहां पे केसीएल के अकॉर्डिंग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया ना तब तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें लूप ऐसा लीजिए जिससे कि प्रॉब्लम काफी जल्दी वर्कआउट हो जाए।
मैं सपोज इस 1 ओम में करंट I1 ले लेता हूं। यदि मैं इस 1 ओम में करंट I1 लूंगा तो देखिए अब यहां पे इसमें I2 ले लिया, इसमें I3 ले लिया, राइट। अब मैं KVL लगा रहा हूं इस लूप में, ध्यान से देखिए इस लूप में, लूप PQRSP है, PQRSP, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें कुछ और करंट फ्लो कर रहा होगा, इसमें कुछ और करंट फ्लो कर रहा होगा, लेकिन चूंकि यहां पे कोई रेसिस्टेंस यहां पे इन जगहों पे नहीं है, इसलिए यहां पे जब लूप में वो इक्वेशन तैयार करेंगे KVL का, तो कोई भी करंट नहीं आएगा सिवाय उसमें केवल I1 को छोड़ के। तो जब आप इसमें लूप में KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस I1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0, हेंस I1 इक्वल टू 0, आ गया करंट। और वन ओम में रेजिस्टेंस में करंट कितना आ गया, जीरो आ गया। अब क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कि तीनों में रेजिस्टेंस में करंट बताइए, तो डेफिनेटली एक ही वैल्यू इसमें दे रखी है। देखिए यहां पे यदि कुछ ऐसा होता ना कि एक ऑप्शन जीरो दूसरा थ्री वन एम्पीयर कुछ ऐसा होता तो मैं चेक भी करता, क्योंकि यहां पे आंसर ही 0.25 एम्पीयर 0.5 एम्पीयर 0 एम्पीयर 1 एम्पीयर है, तो इसका मतलब तीनों में एक ही तो करंट फ्लो करेगा। तो यदि इसमें 0 एम्पीयर फ्लो कर रहा है तो तीनों में 0 एम्पीयर ही फ्लो करेगा, क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन ही ऐसे सेट है कि उससे मैं दिमाग में ला सकता हूं इस बात को कि तीनों में करंट एक ही जैसा फ्लो करेगा, एक ही वैल्यू फ्लो करेगी। तो डेफिनेटली इसमें करंट 0 एम्पीयर है तो इसमें भी 0 एम्पीयर, इसमें भी 0 एम्पीयर। एक तो ये ऑप्शन के लॉजिक से देख के मैं बता सकता हूं, राइट। दूसरा देखिए तरीका, दूसरा तरीका ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, बताइए 0 वोल्ट, तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस भी 0 वोल्ट होगा। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे बी क्यू पी ए के क्रॉस, तो इसमें 0 वोल्ट आएगा, तो इसमें भी 0 वोल्ट। यदि इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट, तो इसका मतलब करंट इसमें 0 एम्पीयर। इन द सिमिलर वे इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 वोल्ट, दैट मींस इसमें 0 एम्पीयर। सिंपल सी बात है, ऐसे सोच सकते हैं आप, नहीं तो केवीएल भी लगा लीजिए। केवीएल आप लगाइए किसमें, इस लूप में लगाइए, देखिए ध्यान से ऐसे करके जाइए ए बी आर एस ए, इसमें जब लगाएंगे तो फिर से आपका I2 सीधा 0 आ जाएगा, जब इसमें KVL लगाएंगे तो I3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल, जितने तरीके से सोचना है सोच लीजिए, लेकिन आपने करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया I1 एक जगह से लिया, I2 I3 I4 करना, क्योंकि कई सारे यहाँ पे जंक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जहां शुरू कर दी तब तो आप झमेले में पड़ जाएंगे, तब लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा लेंदी है। बट आपको मैंने जो अप्रोच बताया विद इन वन मिनट इस प्रॉब्लम बड़े प्यार से किया जा सकता है, बड़े आराम से किया जा सकता है, ट्रिकी एंड सिंपल प्रॉब्लम, राइट। आगे हम लोग बात करते हैं और कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे जेई मेन के 2017 का नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो फिजिक्स का है, और ये प्रॉब्लम मैं कहूंगा कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, डायरेक्टली बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर बेस्ड है, वो भी थर्ड हाइपोथेसिस के ऊपर कि डेल्टा ई इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा होता है, राइट। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि ये एक मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है। अब देखिए यहाँ पे कि एक ट्रांजिशन हो रही है माइनस ई से माइनस 4/3e में, इसमें जो वेवलेंथ की एमिशन है लैम्डा 2 की, ये दूसरी ट्रांजिशन हो रही है माइनस ई से माइनस 2e के बीच में, इसमें वेवलेंथ लैम्डा 1 है, तो हमें लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया ई बाई 3, दिख रहा होगा माइनस ई माइनस 4/3e है, तो ऑब्वियस बात है एनर्जी डिफरेंस ई बाई 3, दिस ई बाई 3 विल बी इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा 2, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा इक्वल टू एच नहीं होता है, डेट विल इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, हेंस लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 3 SC/E। इन द सिमिलर वे व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू, माइनस ई माइनस 2e है तो e है, दिस e विल बी इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा 1 एंड हेंस लैम्डा 1 विल इक्वल टू एस सी बाय ई, दोनों का रेशियो ले लीजिएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो इट विल कम आउट 1:3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है डेफिनेटली, राइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर। अब मैं यहां पर जो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हैं जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपको बता देता हूं, राइट। जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस अभी करने जा रहा हूं ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि सेल और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज करते हैं तो नल पॉइंट कहता है कि डिस्टर्ब हो जाएगा, नल पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है, राइट। एक तो ये बात हो गई, तो यहाँ पे नल पॉइंट इज डिस्टर्ब्ड, ये आपका जो है यहाँ पे 68 का पहला यहाँ पे फॉल्स है, राइट। तो यही स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, यही स्टेटमेंट आपका गलत है। वहीं पे जो दूसरा स्टेटमेंट है रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज द पोटेंशियल डिवाइडर, बिल्कुल सही है,
किरचॉफ सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सही है। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है मोस्ट सेंसिटिव होता है, जबकि चारों के चारों रेजिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड होती है, वैल्यू होती है, वो सेम होती है और ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दैट वे इसका 68 का जो आंसर होएगा, जो कि सेट सी में है ये 68 प्रॉब्लम, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसमें गलत स्टेटमेंट यही है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैल्वेनेटर एक्सचेंज देन द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब, गलत है, नल पॉइंट यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप समझे कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है, यदि आपको पहले से पता है, पहले से नॉलेज है, तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको करने में ये क्वेश्चन डिफिकल्टी आ सकती है, राइट। अब नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैरियर फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इज डिनोटेड बाय ओमेगा सी, कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी से डिनोट करी गई है, एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया गया ओमेगा एम से, ओमेगा एम से। कहा गया कि बैंड विथ ऑफ द सिग्नल इज सच दैट डेल्टा ओमेगा एम विल बी लेस देन ओमेगा सी। तो कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज नॉट कंटेंट इन द मॉड्यूलेटेड वेव, तो इसमें डायरेक्ट आंसर ओमेगा एम होगा। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ओमेगा सी है, दूसरा ऑप्शन ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी है, तीसरा ऑप्शन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, चौथा ऑप्शन ओमेगा एम है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप जब एनसीईआरटी का कम्युनिकेशन का चैप्टर देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें कि लोअर बैंडविड्थ एंड अपर बैंडविड्थ होती है और ओमेगा सी इन बिटवीन होता है। लोअर बैंडविड्थ जो होती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होती है, अपर बैंडविड्थ जो होती है ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी होता है, और बीच में आपका ओमेगा सी रहता है, इसलिए यहाँ पे ओमेगा एम वाली फ्रीक्वेंसी इसमें कंटेन नहीं करेगा, राइट। एक तो ये हो गई। 73rd क्वेश्चन देखिए, अब 73rd क्वेश्चन मैं सेट सी के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ। कहा गया कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट है जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करी गई है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट 180 डिग्री, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के भी जो बच्चे हैं वो भी बड़े आराम से देखते इसको कर सकते हैं, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, पढ़ते ही करना चाहिए आपको, राइट। अब अगला देखिए यहाँ पे, अब मैं जो नेक्स्ट इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये तो कुछ 3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट थे, अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपका है यहाँ पे 86th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट है सेट सी के हिसाब से 86th प्रॉब्लम, जिसमें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन का ग्राफ है, 4 ग्राफ दे रखा है, बट एंड ऑब्वियस है कि इनसाइड द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू आर होती है, एंड आउटसाइड एबव द सर्फेस ऑफ अर्थ जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, जहां पे आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन का ग्राफ पूछा गया है, तो इसमें आंसर मैं कहूंगा कि जो इसमें 4 ऑप्शन है उसमें से सेट सी के हिसाब से 3rd आंसर होगा, जिसमें जी पहले इनिशियली लिनियरली लिनियर ग्राफ बनेगा, फिर इसका हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी 3rd, राइट। अब एक और डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपका यहां पे कहा गया कि एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। अब कहा गया कि 4 ग्राफ है इसमें, और उन 4 ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है, उसमें कैसा ग्राफ बनेगा। तो यदि आप पार्टिकल को अपवर्ड फेंकते हैं और फिर अपवर्ड जाने के बाद नीचे आएगा, तो वेलोसिटी तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा, पक्की पक्की बात है, मतलब पहले प्लस में होगा फिर बाद में माइनस में होगा। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो ऑप्शंस है, मैं बना भी देता हूं आपका ऑप्शन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन एक्चुअली बना हुआ है, जिसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा गया यदि पार्टिकल को हम लोग अपवर्ड फेंक देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इनफैक्ट आपने 9th में भी करा होगा मैं कहूं तो, राइट। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग कहेंगे 2nd ऑप्शन, वो क्यों कहेंगे, देखें पहले वाले ऑप्शन में वैसे ज्यादा सोचने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। पहले वाले ऑप्शन में दिखा गया कि टाइम रिवर्स कर गया है, टाइम को घटते हुए दिखाया गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ पे वेलोसिटी तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा, जब अपवर्ड होगा तो हो सकता है यहाँ पे प्लस में हो, जब डाउनवर्ड आ रहा हो तो निगेटिव में जा जाएगा वेलोसिटी। तो ये दोनों में देखिए, दोनों में वेलोसिटी दोनों में हर टाइम पे पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट आंसर 2nd होएगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं इस प्रॉब्लम में, राइट। वैसे भी वेलोसिटी टाइम के साथ लिनियरली पहले आपका क्या करेगा, अपवर्ड जाते हुए घटेगा, अब फिर नीचे आते हुए बढ़ेगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 2nd। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम आपका काफी काफी आसान प्रॉब्लम है, तो
इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है डायरेक्टली, चूंकि आसान क्वेश्चन थे लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। अब आगे और कुछ क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे जेई मेन के नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये मैं कहूंगा कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम में आ सकता है, और यदि आपको पहले से अप्रोच या सब कुछ पता है तब तो आसान प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन यदि किसी के लिए पहली बार प्रॉब्लम है, सोचना पहली दफा पड़ रहा है, तो उस केस में तो ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट भी हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी भी प्रॉब्लम हो सकता है। और समझते हैं हम लोग ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये कहा जा रहा है कि आपके पास 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस बनाना है, एक सर्किट बनानी है जिसमें कि 2 माइक्रोफेराड उसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाए, राइट। ये आपको करना है और उसको अप्लाई करना है यहाँ पे 1 किलो वोल्ट के क्रॉस उस कॉम्बिनेशन को। और आपके पास लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स दे रखा है, कई सारे 1 माइक्रोफेराड के बहुत सारे कैपेसिटर्स आपके पास अवेलेबल है, 50, 60, 70, 80 जितना भी मर्जी उतना दे दिया गया है। उन्हीं को लेकर के आपको बनाना है एक कॉम्बिनेशन जिसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है, एक तो ये बात है, जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे 1000 वोल्ट के अक्रॉस। साथ में ये भी दे रखा है प्रॉब्लम में कि कोई भी कैपेसिटेंस जो 1 माइक्रोफेराड का है वो 300 वोल्ट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता है, विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 300 वोल्ट। 300 वोल्ट से उसके क्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस उससे ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। किसके क्रॉस? ये आपका 1 माइक्रोफेराड, उसकी मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस लेने की एबिलिटी वो 300 के नीचे ही है, राइट। तो ये वाला पॉइंट दे रखा है। अब मुझे बताइए आप लोग, एक तो आपको 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस दे रखा है, उससे इफेक्टिवली आपको 2 माइक्रोफेराड लाना है, तो ऑब्वियस बात है पैरेलल में कंबाइन करेंगे, तभी तो कैपेसिटेंस पैरेलल में ही तो बढ़ती है, C1+C2+C3 होती है, तो डेफिनेटली हम लोग इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस को जो है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। लेकिन साथ में ये भी है कि यदि केवल आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और 1000 वोल्ट के क्रॉस लगा देंगे तब तो आपका कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के क्रॉस भी 1000 वोल्ट आ जाएगा जो आपका 1 माइक्रोफेराड का है। अब उस केस में क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस विदस्टैंड ही नहीं कर रहा 1000 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं उसमें आपको पोटेंशियल घटाना है, 1000 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कुछ कैपेसिटेंस को आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे उसी को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। इसलिए यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है क्या है, मान लिया जाए कि m नंबर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच वैल्यू 1 माइक्रोफेराड जो दे रखा है वो आपने पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया 1, 2, 3 से लेके m तक, हमें पता नहीं कहां तक गया बट मैंने m ले लिया। अब ऐसे ही आपने कंबाइंड कर दिया इसी को n दफे रिपीट कर दिया है, इसमें भी m कैपेसिटर्स है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें भी m कैपेसिटर्स है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसी में भी m कैपेसिटर्स है और ये nth, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 लेके ये nth, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। अब मुझे बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने होंगे, मुझे बताइए आप, इधर कितने टोटल है m, इधर इसमें भी m, इसमें भी m, m प्लस m प्लस m प्लस अप टू हाउ मच टाइम, n टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस उसमें कितने हो गए, mn हो गए, m into n हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जो लेंगे हम लोग m into n लेंगे। अब हमारे को m और n की वैल्यू चाहिए, अब कैसे आएगा देखिए, अब ध्यान दीजिए यहां पे, साथ में कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात, ध्यान दीजिए आप यहां पे, अब देखिए यहां पे 1 1 1 माइक्रोफेराड के सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यदि 1-1 माइक्रो तो फेराड का आपने सीरीज में कंबाइन कर दिया है तो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1/m माइक्रोफेराड, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1+1/C2+1/C3, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी 1/m, इसकी भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी होगी 1/m माइक्रोफेराड, इसकी भी कितनी होगी 1/m, तो 1/m माइक्रोफेराड 1/m माइक्रोफेराड अप टू n टाइम्स। और ये चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1/m+1/m+1/m n दफे जोड़ना है तो कितना आएगा n/m, और n by m जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसकी है वो 2 माइक्रोफेराड है, तो इसका मतलब n by m माइक्रोफेराड इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड एंड हेंस n इक्वल टू 2m, एक आपका इक्वेशन ही आ गया n और m का रिलेशन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये कहा गया कि आप इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट करेंगे 1000 वोल्ट के साथ, तो यदि 1000 वोल्ट नीचे लगाए तो इसके क्रॉस 1000 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 1000 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 1000 वोल्ट, बट वो 1000 वोल्ट इंडिविजुअल के क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो इसके क्रॉस कितना होगा 1000/m वोल्ट,
क्यों? क्योंकि हर एक की कैपेसिटेंस यदि इक्वल है तो ये 1000 वोल्ट इक्वली हर एक कैपेसिटेंस के अक्रॉस डिवाइड होगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन? 1000 डिवाइडेड बाय m, 1 माइक्रोफेराड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1000 डिवाइडेड बाय m, और ये 1000 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 300 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहीं से तो m के ऊपर कंडीशन आ जाएगी। तो 1000 डिवाइडेड बाय m मस्ट बी लेस देन 300, v पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस मस्ट बी लेस देन 300, और 1000 बाय m आया है इंडिविजुअल 1 माइक्रोफेराड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, तो दिस विल बी लेस देन 300, हेंस m मस्ट बी ग्रेटर देन 1000 बाय 300, m मस्ट बी ग्रेटर देन 10 बाय 3, इनइक्वालिटी है। तो यहां पे m की वैल्यू डेफिनेटली 10 बाय 3 से ज्यादा होना चाहिए, राइट? अब चूंकि m तो इंटीजर होगा ना, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस तो पार्सल में लेंगे नहीं, तो इंटीजर कम से कम कितने लेने पड़ेंगे m की इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमें कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, तो m को हम लोग मिनिमम वैल्यू रखेंगे। तो मिनिमम पॉसिबल m की कितनी होगी यहां पे इंटीजर में? 4 ही तो होगी, m इज ग्रेटर देन 3. जो आगे आ सकता है 3 करके, तो m की जो इंटीग्रल वैल्यू होगी मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो m यदि मिनिमम होगा तो n भी तो मिनिमम होगा, तो m की वैल्यू मिनिमम 4 हो गई, n की मिनिमम वैल्यू 8 हो जाएगी, क्योंकि n इक्वल टू 2m है, और टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हमने अभी बताया m into n है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कैपेसिटेंस फॉर दिस होल थिंग? 32। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात मैं जो बताना चाहता हूं। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जो इस कॉम सिस्टम के लिए चाहिए वो 32 चाहिए, राइट? तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे जिसको हमने अभी डिस्कस किया। मैं कहूंगा इस प्रॉब्लम को बहुत मतलब एक ट्रिकी प्रॉब्लम भी है और बेटर प्रॉब्लम है, ट्रिकी एंड बेटर प्रॉब्लम, राइट? तो इस तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया। आगे और कुछ प्रॉब्लम है जेईई मेन का डिस्कस करने जा रहा हूं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जेईई मेन का डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस साल एपियर हुआ है। ये प्रॉब्लम आपका न्यूक्लियर रिएक्शन के चैप्टर से रिलेटेड है, जो रेडियो एक्टिविटी का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मिडिल लेवल पे आता है, ना तो मैं कहूंगा इजी है ना टफ प्रॉब्लम है। और देखिए ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम कहा गया कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, और ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की हाफ लाइफ टी के इक्वल है। अब ये डिके कर रहा है इनटू द न्यूक्लियस बी एट टी इक्वल टू 0, कोई भी न्यूक्लियाई बी का नहीं है, ये दे रखा है प्रॉब्लम में। और कहा गया कि आफ्टर सम टाइम द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लिया बी टू डेट ऑफ ए, बी के जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है और ए का जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है उसका रेशियो दे रखा है प्रॉब्लम में 0.3। तो आपको पूछा गया कि यही टाइम की वैल्यू बता दीजिए, राइट? तो देखिए प्रॉब्लम कैसे प्रोसीड करेंगे। ध्यान दीजिए, आपका न्यूक्लियस ए है, बी में डिके हो रहा है, इनिशियली इसमें कोई भी बेसिकली न्यूक्लियाई नहीं है, और ए का मैं एज्यूम कर लेता हूं इनिशियली एन नोट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो टाइम टी के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि na will be equal to n not e raised to the power minus lambda t। बहुत ही आसान है कि a का जो total number of nuclei रहेगा time t के बाद n not e raised to the power minus lambda t आपने radio activity में कर रखा होगा। अब b का कितना होगा? हमें ये पता है कि total number of atoms जो रहेगा that will mean same, मतलब na plus nb, that means na हो गया number of nuclei of a plus number of nuclei of b, that will be equal to n not। इससे हम लोग क्या बोलेंगे कि nb की वैल्यू कितनी होगी? n not minus na, तो n नोट माइनस एन ए, जिसको आप n नोट बाहर करेंगे तो n नोट 1 माइनस e रेस्ट टू द पावर माइनस लैम्डा टी, दिस वन इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ b एट दैट मोमेंट। अब दोनों का रेशियो दे रखा है, nb बाय na यहां पे दे रखा है कि एट सम टाइम द रेशियो ऑफ नंबर nb बाय na 0.3 के इक्वल है, तो दिस डिवाइड बाय दिस वन विल बी 0.3। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो n नोट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस e रेस्ट टू द पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय e रेस्ट टू द पावर माइनस लैम्डा टी विल बी इक्वल टू 0.3, राइट? बहुत आसान बात है। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यू विल गेट 1.3 e रेस्ट टू द पावर माइनस लैम्डा टी विल बी इक्वल टू 1। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बहुत आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई चाहिए आ गया, इसको थोड़ा इधर लेके जाएंगे तो 1.3 e रेस्ट टू माइनस लैम्डा टी इक्वल टू 1, दैट मींस e रेस्ट टू माइनस लैम्डा टी विल बी इक्वल टू 1/1.3। टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लेता हूं विथ बेस e, तो जब ऐसा करेंगे तो माइनस लैम्डा टी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 1/1.3, क्योंकि हमें पता है कि लॉग बेस e एंड e विल गिव 1, तो टेकिंग द लॉग बोथ साइड विद द बेस e देन यू विल गेट दिस वन। मैं लॉग 1/1.3 को क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ लॉग 1.3, क्योंकि log 1 माइनस log 1.3, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0,
तो ये हो गया माइनस लॉग 1.3। माइनस लैम्डा टी किसके इक्वल हो गया, माइनस लॉग 1.3 के। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा दोनों साइड, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, टी विल कम आउट लॉग 1.3 बाय लैम्डा। लैम्डा इज कॉल द डीके कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे, तो हमें हाफ लाइफ टी का दे रखा है, तो वहां से हम लोग टी विल बी इक्वल टू ln 2 बाय लैम्डा। Hence, lambda will be equal to ln 2 by t. Direct formula आपको याद ही रहता है, तो lambda की जगह पे क्या place करेंगे, ln 2 divide by t, which will come out, finally time will come out, t ln 1.3 by ln 2. That means the correct answer will be 1. Right? तो ये correct answer इसका होगा, according to the set C का जो problem है, उसमें जो option set है. राइट right? तो ये इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ना डिफिकल्ट है ना क्वेश्चन आपका, मैं डिफिकल्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम इसको काउंट नहीं करूंगा, ये मीडियम लेवल के प्रॉब्लम में इसे प्लेस कर सकते हैं हम लोग। राइट right? अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जेई मेन पेपर का क्या है जो इस साल आया है। ये देखिए यहाँ पे कहा गया कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस टेंशन टी। कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए, एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम है ये, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू को मेजर करने के लिए कुछ पर्टिकुलर हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिया है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिया है, एक तो हमने यहाँ पे क्या क्या है कि डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी डायमीटर मेजर करी गई है, उसकी डायमीटर 1.25 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 मीटर ये पाई गई है। राइट मेजरमेंट के बाद वाटर जो राइज किया है, क्योंकि जब आप कैपिलरी ट्यूब को इनसाइड द वाटर डालते हैं तो हाइट राइज करती है, और हाइट राइज जो करा वो 1.45 इंटू 10 से माइनस 2 मीटर है। राइट एक्सेलर, अब देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज जी इक्वल टू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूज करना यहाँ पे जी की वैल्यू को, जी को मेजरमेंट में नहीं डाला गया है, यूज लिखा गया वर्ड, और इन दोनों को मेजर किया गया है, डायमीटर को और हाइट को मेजर किया गया है। राइट तो वर्ड है यूज जी इक्वल टू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यदि आपको वर्ड यूज जी दे दिया जाए कि भाई कि किसी वैल्यू को यूज करना है, तो वहां पे हम लोग जनरली एरर उसमें कंसिडर नहीं करते हैं, एक ये बात हम लोग ध्यान में रखते हैं। राइट क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को मेजर नहीं किया एक्सपेरिमेंटली, मेन बात यहाँ पे ये है। राइट अच्छा, इसके बाद क्या है कि सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है, जो दे रखी है फॉर्मूला जो दे रखा है वो है आर एच जी डिवाइड बाई 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर। इसी फॉर्मूले को यूज करके सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करनी है। राइट यहाँ पे तो कहा गया पॉसिबल एरर इन द सरफेस टेंशन विल बी वेरी नियर टू, तो देखिए यहाँ पे कई लोग ये कर सकते हैं कि जी में यहाँ पे जी की मेजरमेंट में वो एरर ले सकते हैं, बट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे यूज द वैल्यू ऑफ जी, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में यूज द वैल्यू ऑफ जी दे रखा है तो मैं यहाँ पे जी को मेजर करने नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं जी में एरर कंसिडर नहीं करूंगा। राइट अब देखिए यहाँ पे सर्फेस टेंशन टी दे रखा है यहाँ पे आर एच जी बाई 2, रेडियस को मैं डायमीटर के टर्म में लिख सकता हूं, और डायमीटर के टर्म में कैसे लिखूंगा, आर इक्वल टू डी बाई 2, जब ये लिखेंगे तो आ जाएगा सरफेस टेंशन डी एच जी डिवाइड बाई 4। राइट अब मैं सरफेस टेंशन में परसेंटेज एरर निकालने जा रहा हूं, पॉसिबल परसेंटेज एरर, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा एच बाई एच इंटू 100, डेल्टा एच बाई एच इंटू 100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एरर एनालिसिस में हम लोग करते रहते हैं, इसमें डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है कि दोनों साइड लॉग लिया फिर डिफरेंशिएट किया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज दिस वन। अब कई लोग डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, मैं उनसे एग्री इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू यूज करने के लिए दी गई है, ना कि उसे मेजर करके बताया गया है कि आप मेजरमेंट भी कर रहे हैं जी की। यदि मैं जी की मेजरमेंट कर रहा होता और तब उससे लेता यहाँ पे, तब मैं प्लस माइनस डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 भी लिखता। राइट तो इसलिए मैं यहाँ पे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 नहीं लिख रहा हूं, और मैं केवल यहाँ पे एरर जो ले रहा हूं वो डायमीटर ऑफ द ट्यूब में ले रहा हूं, और मैं हाइट के मेजरमेंट पे एरर ले रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हीं दो चीजों को मेजर कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटली, और उसके थ्रू मैं सरफेस टेंशन की वैल्यू निकाल रहा हूं। राइट अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पे कि डायमीटर एच तो दे रखा है, डी की वैल्यू आपकी 1.25 इंटू 10 से माइनस 2 मीटर दे रखी है, एच भी 1.45 इंटू 10 से माइनस 2 मीटर दे रखा है, बट पॉइंट ये है कि डेल्टा डी या डेल्टा एच नहीं दिया गया, यही इस प्रॉब्लम का ट्रिकी पॉइंट है। अब डेल्टा डी या डेल्टा एच नहीं दिया गया है तो कैसे सोचेंगे, यहां पे डेल्टा डी या डेल्टा एच एक्चुअली लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मिनिमम वैल्यू जो मेजर करते हैं वो उसकी लिस्ट काउंट होती है, और डायमीटर
जो मेजर करा जा रहा है डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जा रहा है उसकी लिस्ट काउंट 10^-4 मीटर होगी। इस बात को समझें आप, 10^-4 मीटर होगी। और इसी तरह से हाइट की जो मेजरमेंट करी गई होगी जिस भी इंस्ट्रूमेंट से उसकी भी जो है बेसिकली यहाँ पे लिस्ट काउंट 10^-4 मीटर होगी। मतलब डेल्टा डी भी यहाँ पे 10^-4 मीटर डालेंगे, डेल्टा एच भी यहाँ पे 10^-4 मीटर डालेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये सोचने वाली बात है। लॉजिक यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे ये वैल्यू बहुत ही कम है 1.25 सेंटीमीटर, और 1.25 सेंटीमीटर यदि हम लोग किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं तो उसकी जो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी जाती है उसकी लिस्ट काउंट जो होती है 0.01 सेंटीमीटर होती है। जब आप एक्सपेरिमेंटल लैब में जब इस तरह के डिस्टेंस को 1.25 सेंटीमीटर, 1.45 सेंटीमीटर जैसे लेंथ को मेजर करते हैं तो नॉर्मली जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी जाती है उसकी लिस्ट काउंट होती है 10^-2 सेंटीमीटर। यदि 10^-2 सेंटीमीटर उसकी लिस्ट काउंट है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट 10^-4 मीटर। ये इसके पीछे लॉजिक है एक्चुअली, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे 1.25 × 10^-2 मीटर दे रखा है तो मैं इसी से अंदाजा ला सकता हूं कि उसका जो आपका लिस्ट काउंट होगा 0.01 × 10^-2 मीटर होगा, मतलब 10^-4 मीटर होगा। इस लॉजिक के बेसिस पे भी मैं डेल्टा डी की वैल्यू रख सकता हूँ 10^-4 मीटर, डेल्टा एच की वैल्यू 10^-4 मीटर रख सकता हूँ। जब ये सारी वैल्यू रखेंगे और अप्रोक्सिमेटली कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेशन जब करेंगे तो इट विल कम आउट नियर अबाउट 1.5%, ±1.5% भी लिख सकते हैं, नहीं तो केवल 1.5% लिख दीजिए, क्योंकि जनरली हम लोग जब वैल्यू लिखते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के इन लैब मेजरमेंट के थ्रू तो हम लोग यही लिखते हैं कि दैट सर्टेन क्वांटिटी ±1.5%, इसलिए यहाँ पे ±1.5% लिखी गई है। दैट वे द करेक्ट आंसर विल बी 1.5%। तो इसका ये करेक्ट आंसर 1.5% होगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एरर का प्रॉब्लम डिस्कस किया। ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, डेफिनेटली ट्रिकी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सोचना पड़ेगा मेन डेल्टा डी और डेल्टा एच के बारे में। जी के एरर लेना है नहीं लेना उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आप जी का एरर लेके कोई बंदा कर भी देता है तो 1.5% से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर एरर आता है यदि आप लेके करेंगे भी तो। लेकिन मैं एग्री इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जी की वैल्यू मेजर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम में जी की दे रखी है, यूजिंग जी इक्वल टू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा ना होता कि जी की वैल्यू भी मेजर करी गई होती तो मैं प्लस माइनस डेल्टा जी बाई जी लेता और जी ये रहता और यहाँ पे आपका जो डेल्टा जी लेता वो मैं 0.01 लेता, डेल्टा जी की वैल्यू मैं 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये चीज हो गई, यहाँ पे ये बात हो गई, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका वर्कआउट होगा। अब हम लोग आगे और भी कई प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो आपका जेई मेन के पेपर में आया है, और ये देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको कहा जा रहा है कि इन द गिवन सर्किट डायग्राम, ये आपका सर्किट डायग्राम है जिसमें एक ईएमएफ है, एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, कैपेसिटेंस है R1 एंड R2 है, और जब करंट पहुंच जाता है स्टेडी स्टेट में, स्टैटिक स्टेट में, कॉन्स्टेंट वैल्यू पे जब करंट पहुंच जाती है इस सर्किट में तो हमें बताना है कि इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, राइट। हमारे को ये बताना है, इसमें जो की पॉइंट है वो समझिए। सबसे पहली बात ये कि कैपेसिटर पे चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं, Q इक्वल टू CV से, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर, और C द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। तो हमारे को यहाँ पे स्टैटिक स्टेट में या स्टेडी स्टेट में इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, राइट, V इसके अक्रॉस निकालना है। एक तो ये बात हुई, तो Q इक्वल टू CV, V निकल गया तो हमारा काम बन गया। अब नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होगी बात यहाँ पे कि भाई यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, वो भी कब निकालना चाहते हैं, जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट रीच कर जाए, स्टैटिक स्टेट स्टेडी स्टेट में पहुंच जाए, तब इस स्टेट में क्या होता है कि कैपेसिटर से कोई भी करंट पास नहीं करता है, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है और कैपेसिटर एक ब्रेकिंग सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग इस सर्किट को स्टैटिक स्टेट में या स्टेडी स्टेट में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, कैपेसिटर को जस्ट मैं मेंटली रिमूव कर दूंगा और ये प्लस पे है और ये माइनस पे रहेगा। तो यहां से करंट आई चल रही है, यहां आ गई, इधर नहीं जाएगी कोई भी करंट, और ऐसे करके ये करंट निकल जाएगी। ध्यान दीजिए बात को, ये कब, जब कांस्टेंट वैल्यू स्टैटिक स्टेट जब पहुंच जाए तब ऐसा होगा, तब इस कैपेसिटर से होकर कोई भी करंट नहीं पास करेगा। ये मेन की पॉइंट है इस प्रॉब्लम का,
राइट। अब मेरे को यदि करंट आई पता चल जाए तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि इससे होकर कोई करंट पास नहीं कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर या हम लोग कह पाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन विल बी द सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना काफी आसान है एज कंपेयर टू दिस वन, इसे भी निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस भी निकाल सकते हैं, बट इसके अक्रॉस सीधी सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस आई आर टू हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी होगी, इसमें आप केवीएल लगा दीजिए, आपको बहुत ही स्टैंडर्ड है, केवीएल लगाएंगे ई माइनस आई आर माइनस आई आर टू विल इक्वल टू जीरो, दैट मींस आई विल कम आउट ई अपॉन आर प्लस आर टू। अब बिना केवीएल लगाए भी कर सकते हैं कि भाई कि ये एक बैटरी की है जिसकी ईएमएफ ई है, तो करंट आई की वैल्यू जो होगी सिंपल सी बात है इस सर्किट में ई अपॉन आर प्लस आर टू हो जाएगा, तो आई की जगह ई अपॉन आर प्लस आर टू प्लेस कर दिया, तो ई अपॉन आर प्लस आर टू इंटू आर टू दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड हेंस चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू सी इंटू वी, वी के लिए यहां पे प्लेस कीजिए, क्यू की वैल्यू ये आ गई, दैट वे द करेक्ट आंसर विल बी टू। इस तरीके से यहां पर इसका करेक्ट आंसर टू होगा। तो ये एक प्रॉब्लम कहूंगा कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही ज्यादा आसान भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं मिडिल लेवल पे इसलिए रखूंगा क्योंकि मेन दो की कॉन्सेप्ट की यूज हो रही है, और सबसे ज्यादा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो उसके थ्रू कोई भी यहाँ पे उस कैपेसिटर एक ब्रेकिंग सर्किट की तरह जनरली काम करता है, ऐसा हम लोग लेके चल देते हैं और उसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करता है जब हम लोग डीसी सोर्स को लेकर बात करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम को डिस्कस किया, मिडिल लेवल के प्रॉब्लम में इसे डाल सकता हूं और लोअर मिडिल लेवल भी कर सकते हैं इसे, राइट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है, अब आगे और भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जेई मेन के पेपर का डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। इसमें कहा गया कि आपके पास एक कॉपर बॉल है जिसकी मास 100 ग्राम है और ये टेम्परेचर टी पे है, इस कॉपर बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया है कॉपर कैलोरीमीटर में, कॉपर कैलोरीमीटर में जिसकी मास 100 ग्राम है, फिर से 100 ग्राम है, फिल्ड विद 170 ग्राम ऑफ वाटर। उस कॉपर कैलोरीमीटर में एक 170 ग्राम ऑफ वाटर पहले से रखा हुआ है जो कि रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्रॉब्लम में दे रखी है, मतलब कॉपर कैलोरीमीटर और उसके अंदर वाटर, कॉपर कैलोरीमीटर एंड वाटर दोनों की टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने जो अब बॉल आपने ड्रॉप किया जिसकी टेम्परेचर टी है वो हमें पता करना है कब, जबकि ये देखा गया कि कुछ देर के बाद सब्सिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज फाउंड टू बी 75 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने उसमें कॉपर बॉल को डाल दिया तो फाइनल टेम्परेचर पूरे सिस्टम का इंक्लूडिंग कॉपर बॉल प्लस कैलोरीमीटर प्लस वाटर उसकी टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड देखी गई है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक कॉपर कैलोरीमीटर है, इसके अंदर वाटर है, इन दोनों की टेम्परेचर इनिशियली जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है जो रूम टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर कॉपर बॉल की मुझे निकालनी है जिसको मैं हालांकि टी आई से डिनोट किया हूं जो कि टी ही है, और फाइनल टेम्परेचर पूरे सिस्टम की 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है। कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपका हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन का लगेगा कैलोरीमेट्री का, राइट। हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, हीट लॉस्ट जो कर रहा है वो आपका कॉपर बॉल कर रहा है, हीट गेन कौन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है यहाँ पे आपका कैलोरीमीटर प्लस वाटर, तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दूसरी बात, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट जो होती है वो एम एस डेल्टा टी के इक्वल होती है यदि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहे तो, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है। अब एक एक करके दोनों को लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय द कॉपर बॉल विल बी इक्वल टू मास ऑफ द कॉपर बॉल, मास एम बी मास ऑफ द कॉपर बॉल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर बॉल जो कि कॉपर ही होगा, इंटू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कॉपर माइनस फाइनल टेम्परेचर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने हीट लॉस्ट बाय द कॉपर बॉल की बात करी, ऑब्वियस बात इनिशियल टेम्परेचर कॉपर बॉल की ज्यादा होगी जो कि टी के इक्वल है, तो टी आई माइनस 75, टी आई नथिंग बट इट इज द टी, तो दिस वन इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द कॉपर बॉल, इट विल बी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द वाटर प्लस कैलोरीमीटर। तो वाटर कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा वो देखते हैं, मास ऑफ द वाटर इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द वाटर इनटू टेम्परेचर राइज बाय द वाटर जो कि 75 माइनस 30 है,
क्योंकि फाइनली जो है वाटर की टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है और इनिशियली इसकी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी है उसको ध्यान में रखना है आपको। अब मास ऑफ द वाटर जो 170 ग्राम है, तो यहाँ पे 170 प्लेस कर दिया, क्या यहाँ पे 170 स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 175 माइनस 30 हो गया यहाँ पे 45 प्लस अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर जो कि क्या होगा कॉपर का कैलोरीमीटर है, तो मास ऑफ द कैलोरीमीटर जो कि आपका प्रॉब्लम में दे रखा है 100 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द कॉपर जो क्योंकि कैलोरीमीटर कॉपर से ही बना हुआ है तो उसका 0.1 है 0.1 है इंटू टेम्परेचर चेंज ऑफ कैलोरीमीटर जो कि आपका फाइनल टेम्परेचर 75 है इनिशियल 30 है तो 75 माइनस 30 विच विल कम आउट 45। तो ये हमने इक्वेशन तैयार कर लिया और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मास ऑफ द बॉल 100 ग्राम है कॉपर का, स्पेसिफिक कैपेसिटी कॉपर बॉल की या कॉपर के हम लोग कहें 0.1 है, टी माइनस 75 दैट इज द बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कॉपर बॉल। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टी इक्वल टू 885 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो इस तरीके से ये काफी बेसिक प्रॉब्लम है कैलोरीमीटर का, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन का प्रॉब्लम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और मिडिल लेवल पे भी मैं नहीं कहूंगा, इनफैक्ट ये कहूंगा बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम होता है ये कैलोरीमीटर का। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया एंड द फाइनल टेम्परेचर विल बी इनफैक्ट 885 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे अब देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपका वेव ऑप्टिक्स का है और ये प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम में काउंट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर आईआईटी में भी एक बार आया हुआ है, मेरे ख्याल से 83 के आसपास, मेरे को इतना ध्यान नहीं बट 83 के आसपास आया हुआ है जहां तक मेरे को ध्यान है। और ये प्रॉब्लम इनफैक्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वेव ऑप्टिक्स का, आप देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम दे रखा है उन्होंने। अब देखते हैं यहाँ पे कि ओरिजिनल ये प्रॉब्लम आईआईटी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो दे रखी है वो 0.5 मिलीमीटर दे रखी है, ये आपका वाईडीएससी अरेंजमेंट है, ये मैंने बना रखा है प्रॉब्लम में नहीं दे रखा है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 0.5 मिलीमीटर है, स्क्रीन की डिस्टेंस जो है 150 सेंटीमीटर है, यहां से ये स्क्रीन 150 सेंटीमीटर पे है, दैट मींस 1.5 मीटर पे है, तो ये लिख दिया गया है 1.5 मीटर, डी की वैल्यू 0.5 इंटू 10 माइनस 3 मीटर लिख दी गई है। अब क्या हुआ कि दो लाइट बीम, मतलब एक बीम ऑफ लाइट है जिसमें दो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, वन वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर, अनदर वन इज 520 नैनोमीटर, दैट मींस 650 इंटू 10 माइनस 9 मीटर एंड 520 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 9 मीटर, उन दोनों वेवलेंथ का यूज करके हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को यहां पे स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन कहा गया है देखिए अब कि मिनिमम डिस्टेंस बताना है, लीस्ट डिस्टेंस बताना है, जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा से, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमा जरूरी नहीं कि हमेशा मिड पॉइंट पे बनती है, सेंट्रल मैक्सिमा उस पॉइंट पे बनती है जहां पे नेट पाथ डिफरेंस की वैल्यू जीरो होती है। तो इस पॉइंट से हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है जो मिनिमम डिस्टेंस पे हो, जहां पे दोनों की ब्राइट फ्रिंज कॉन्साइड कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो, कॉन्साइड करने का मतलब यहाँ पे दोनों की ब्राइट फ्रिंजेज ओवरलैप कर रही है, मतलब दोनों की पोजीशन जो होगी वाई एन की जो वैल्यू होगी, दैट मींस यहाँ पे एनथ ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी दोनों वेवलेंथ की वो सेंट्रल मैक्सिमा से इक्वल होगी, मेन कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यूज होना है, राइट। तो देखिए आप ध्यान दें, एनथ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना होता है सेंट्रल मैक्सिमा से, एन लैमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, यही वाली बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग कहें कि भाई कि लैम्डा 1650 नैनोमीटर है, लैम्डा 2520 नैनोमीटर है, तो 650 नैनोमीटर का हो सकता है कि n1th मैक्सिमा 520 नैनोमीटर के n2th मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर गया, तो n1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय डी ये हो गया लैम्डा 1650 नैनोमीटर वाले की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से उसके ब्राइट फ्रिंज की, n1th ब्राइट फ्रिंज की, n2 लैम्डा 2 डी बाय डी ये हो गया आपका 520 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से n2th मैक्सिमा की। अब दोनों को आपस में इक्वल करना है क्योंकि यहां पे दोनों यहां पे ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों यहां पे कहा गया प्रॉब्लम में कि कॉन्साइड कर रहे हैं मेन की पॉइंट। तो हमने क्या किया,
n1 lambda 1 d by d will be equal to n2 lambda 2 d by d कर दिया, right? y n1 will be equal to y n2 से, capital d by d खत्म हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, आपके पास रहेगा n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2, यदि n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2 हो गया, तो n1 by n2 will be equal to lambda 2 by lambda 1, lambda 2 के value 520 nanometer, lambda 1 के value 650 nanometer, इसको simplify करेंगे, तो आपके पास यहां पे आ जाएगा 4 divided by 5, बहुत आसान है, ये इसको 0-0 cancel out हो गया, ऊपर नीचे 520 by 650 will come out 4 by 5, इतना बताने की मुझे जरूरत नहीं, feel होनी चाहिए, वो पता ही होगा आप लोगों को, right? सिंपलीफाई करने के बाद अब n1 by n2 4 by 5 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फोर्थ मैक्सिमा ऑफ 650 नैनोमीटर विल कोइंसाइड विद द फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ 520 नैनोमीटर, ये है दूसरी पॉसिबिलिटी, एट्थ मैक्सिमा आठवां मैक्सिमा 650 नैनोमीटर का कोइंसाइड करेगा आपका टेंथ मैक्सिमा ऑफ 520 नैनोमीटर, अगला ट्वेल्थ मैक्सिमा ऑफ 650 नैनोमीटर विल कोइंसाइड 15th मैक्सिमा ऑफ 520 नैनोमीटर, ऐसे करके कई सारी वैल्यू n1 n2 की आएगी, लेकिन हमारे को मिनिमम की बात करनी है, लिस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब लिस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब 4 और 5 लेके बात करेंगे तभी तो आएगा लिस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब लिस्ट डिस्टेंस जहां पे दोनों कोइंसाइड करेगा, दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेगी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, जो लिस्ट डिस्टेंस होगी वो आपकी होगी यहां पे 4 फोर्थ मैक्सिमा किसका 650 नैनोमीटर का, फिफ्थ मैक्सिमा किसका 520 नैनोमीटर का, इसका जो आप y n की वैल्यू दोनों के लिए निकालेंगे जो कि दोनों के आपस में इक्वली आएगी, डेफिनेटली आएगी इक्वल क्योंकि ओवरलैप कर रही है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम विल रिमेन सेम, तो हम लोग वहां से मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, तो यहां पे क्या करेंगे मिनिमम डिस्टेंस y की मिनिमम वैल्यू जहां पे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो फोर्थ मैक्सिमा ऑफ 650 नैनोमीटर, तो यहां पे रखेंगे फोर्थ n लैम्डा डिवाइड बाय 4 लैम्डा 1 650 into 10 so minus 9 meter into distance capital D is 1.5 meter divided by small d 0.5 into 10 so minus 3 meter, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो you'll get 7.8 millimeter, आप यही काम कर सकते हैं यहाँ पे लैम्डा 2 को लेकर के 520 नैनोमीटर, लेकिन जब 520 into 10 so minus 9 डालेंगे तो यहाँ पे आपको 5 लेना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पे प्रॉब्लम आपको वर्कआउट कर पाएगा, क्योंकि तभी जाकर के दोनों वहीं पे जाके ओवरलैप करेंगे, तो उस केस में भी 7.8 मिलीमीटर ही आंसर आएगा, तो द करेक्ट आंसर विल बी 17.8 मिलीमीटर, राइट। तो इस प्रॉब्लम को मैं एक अच्छे प्रॉब्लम में रेट करूंगा, लेकिन ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इनको करेंगे ही करेंगे, चाहे वो सीबीएसई केवल तैयारी कर रहे हो या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, और ये प्रीवियस ईयर आईआईटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए उस तरीके से देखा जाए कि यदि आप इस क्वेश्चन को, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, करते ही है बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो करते ही करते हैं, राइट। तो जो नहीं करे हुए हैं कभी भी पहले, तो उनके लिए रियली डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, फिर वहां पे सोच पाना इतना आसान नहीं है, बट जिन्होंने करा हुआ है तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में है, तो उस तरीके से देखा जाए तो डिफिकल्ट भी उनके लिए जिन्होंने करा ही नहीं कभी, और जिन्होंने यहाँ पे कर रखा है पहले से जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आता है, तो मैं समझूंगा कि ये प्रॉब्लम फिर आपका मिडिल लेवल पे आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, आगे और भी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, और ये देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में कहा गया कि एक मैग्नेटिक निडल है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 इंटू 10⁻²² एम्पीयर मीटर स्क्वायर दे रखी है, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.5 इंटू 10⁻⁶ केजी मीटर स्क्वायर है, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला। तो कहा गया कि भाई कि 10 कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगेगा, डायरेक्ट आपका जो t इक्वल टू पाई रूट ओवर आई बाय एम बी एक फॉर्मूला होता है जो आपने कराई होगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी इनफैक्ट दे रखा है, उसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे, उससे टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन आ जाएगा इस मैग्नेटिक निडल का, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट दिक्कत जो इस बात की है कि कैलकुलेशन कितनी जल्दी फास्ट कोई बंदा कर सकता है ताकि इस प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में किया जा सके, तो मैं उसका बस एक टिप्स बता देता हूं। देखिए t equal to 2 by root over i by mb, i की वैल्यू 7.5 into 10 to minus 6 है, m की वैल्यू 6.7 into 10 to minus 2 into 0.01। अब होगा क्या, बच्चे पूरा ये कैलकुलेट करेंगे अब फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, देखिए इधर देखिए 10 to minus 6 नीचे 10 to minus 4 है, ये 10 to minus 4 है, समझ सकते हैं आपको, ये ऊपर गया तो बन गया 10 to minus 2, तो ऊपर हो गया टोटल, ये वाला चीज जो हो जाएगा 10 के ऊपर का पावर 10 to minus 2 हो गया, जो कि आपका स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर जब आएगा तो 10 to minus 1 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे आ जाएगा नीचे 10,
तो इसका अंदर 2 पाई बाय 10 इनटू रूट वर 75 बाय 67 एक्चुअल बात ये है यहाँ पे। अब 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 ऑसिलेशन की बात करी गई तो 10 इनटू टी ये वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई रूट वर 75 बाय 67 निकालना है। अब 75 बाय 67 की वैल्यू डेफिनेटली जो है 1 से हल्की सी ज्यादा होगी और उसका अंडर रूट लेंगे तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 2 पाई पाई इज 3.14 तो 2 इनटू 3.14 इज 6. आपका जो 2 इंटू 3.14 करेंगे तो 6.28 आ जाएगा, उससे थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट 6.65 सेकंड। हालांकि दो आंसर 6 में, थर्ड तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट भी नहीं हो सकता है, आंसर 6.98 सेकंड हो सकता है, 6.65 सेकंड हो सकता है, बट जब आप कैलकुलेशन इसका करेंगे तो इट विल कम आउट 6.65 सेकंड, देन द करेक्ट आंसर विल बी 4, राइट। तो ये बात होगी यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी जल्दी किया जा सकता है इस प्रॉब्लम में, जिससे कि आपका टाइम बचे और वो टाइम आप किसी और प्रॉब्लम में लगा सकें टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन वाली बात एक दिमाग में मैंने आपको डाली है कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन को मिनिमाइज किया जा सकता है, राइट, ना कि पूरा कि भाई कि इसको कैलकुलेट किया फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, वो तो फिर रियल मायने में थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को वर्कआउट। अब हम लोग यहाँ पे जेई मेन का जो इस साल का क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहा हूं और इस प्रॉब्लम को हम लोग कई अप्रोच से कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जो बेटर अप्रोच है जिससे कि कम से कम टाइम लगे उसी के ऊपर मैं बात करता हूं और देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम में कहा गया कि एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है एफ इक्वल टू 60 जो कि एक पार्टिकल पे लग रहा है जिसका मास 1 kg है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकंड, पहले 1 सेकंड में पूछा गया वर्क डन, तो मैं डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है तो उससे काम मेरा काफी आसान हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल स्पीड की वैल्यू 0 है इसलिए सीधा 0 हो गया, मेरे को स्पीड निकालनी 1 सेकंड पे, मास 1 kg दे रखा है, काम हमारा हो जाएगा, राइट। अब स्पीड निकालने का कैसे निकालेंगे, तो फोर्स F इक्वल टू 60 है, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 60, m की वैल्यू 1 kg है, a की वैल्यू 60 आ गई, तो dv / dt विल बी इक्वल टू 60, इंटीग्रेट करेंगे तो v आ गया आपका 3t2, बहुत ही आसान है। अब t इक्वल टू यहां पे आप 1 सेकंड प्लेस कीजिए, v आ गया 3 m/s, यहां पे 3 m/s यहां पे आपने प्लेस किया, वर्क डन बाय द फोर्स विल कम आउट 4.5 जूल। हार्डली क्वेश्चन ये जो है 30 सेकंड 40 सेकंड का है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए यदि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो, अदरवाइज 1 मिनट से ज्यादा इस अप्रोच में नहीं लग सकता है। मैं आपके सामने 1 मिनट के कम में सॉल्व कर सकता हूँ एक क्वेश्चन को, आप भी खुद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑल्टरनेट अप्रोच क्या क्या है, जनरली ये बच्चे करते क्या है कि वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स से शुरू करेंगे, तो बिल्कुल शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एफ की जगह पे 60 प्लेस कर देंगे। लेकिन अब बात क्या है कि आपको जब फोर्स यहाँ पे 60 डाल दिया तो dx को dt में कन्वर्ट करेंगे। अब dx को dt में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए फिर आपको v निकालना पड़ेगा, v इक्वल टू dx / dt 3t2 dt यहां प्लेस कर दीजिए और इंटीग्रेट करिए 0 से 1 सेकंड तक। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो गलती बच्चे कर सकते हैं, हो सकता है इंटीग्रेशन करें ही नहीं, क्योंकि जब भी फोर्स वेरिएबल रहता है तो वर्क डन जो निकालते हैं इंटीग्रेट करके निकालते हैं, तो हो सकता है वहां पे भी एक गलती कर जाए बच्चे स्टूडेंट्स गलती कर जाए कि भाई बिना इंटीग्रेट करे फोर्स का जो है वर्क निकाल लें, जो कि डेफिनेटली एक गलत अप्रोच है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप काम करेंगे तो वर्क डन विल कम आउट 4.5 जूल। हालांकि मैंने ये अप्रोच तो आपको बताई है, कई लोग इसी को एफ डी एक्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं पोजिशन के रिस्पेक्ट में भी, तो और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो कई तरीके हैं जिससे हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस करा है, सबसे अच्छा तरीका वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पे है। अच्छा, एक और अप्रोच मैं आपको बताता हूं जो कि सही मायने में वो भी एक अच्छा अप्रोच है, फोर्स टाइम ग्राफ बना लीजिए। फोर्स टाइम ग्राफ बना लेंगे तो उसका जो एरिया देगा वो मोमेंटम देता है, राइट। वहां से मोमेंटम आपका आ गया, मोमेंटम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p2/2m है वहां पे, और यही काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली वर्क परफॉर्मड है। एक और अप्रोच मैं आपको बेहतरीन अप्रोच बता रहा हूं कि फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लेंगे f वर्सेस t का, तो f वर्सेस t का ग्राफ 60 के हिसाब से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बनेगा, 0 से 1 सेकंड के लिए उसका एरिया ले लीजिए, वो जो देगा फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है वो मोमेंटम देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है तो फाइनल मोमेंटम आपके पास आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी p2/2m होती है और यही काइनेटिक एनर्जी जो p2/2m वही वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है। तो इस अप्रोच से भी आप काम कर सकते हैं, मैं उसे करके भी आपको दिखा देता हूं।
अब देखिए यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को मैंने कैसे करा है, तो यहाँ पे मैंने फोर्स टाइम ग्राफ बना लिया है। फोर्स टाइम ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट टाइम पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये ग्राफ है एफ इक्वल टू 60 के हिसाब से। तो इसका जो एरिया लेंगे वो एरिया आपका रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोमेंटम को, चूंकि इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स इट विल बी द फाइनल मोमेंटम एट द एंड ऑफ द वन सेकंड। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वर्क डन इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। पी स्क्वायर बाय 2m कैलकुलेट करेंगे तो पी स्क्वायर बाय 2m विल कम आउट 9/2, That means it will come out 4.5 joule. तो ये भी एक काफी बेहतरीन अप्रोच है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैंने कई अप्रोच से डिस्कस किया आपके सामने, मल्टीपल मेथड्स हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं। बेहतरीन अप्रोच में वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और उससे बेहतरीन अप्रोच मैं कहूंगा कि ये है, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया ले लिया, दैट विल इक्वल टू मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को कराया मैंने। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कमेंट करूंगा, ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है और ये आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर से रिलेटेड है। सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन कई दफे 2 नंबर या 3 नंबर में आए हुए हैं, तो अल्टीमेट आसान प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक करंट है 5 mA का जो कि गैल्वेनोमीटर से पास कराया जाता है, जिसकी रेजिस्टेंस 15 ओम है। तो जब इतनी मिली एम्पियर करंट को मैंने पास कराया तो उस केस में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में। तो कहा गया कि कितना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पुट करा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिससे कि इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सके वोल्टमीटर में, जिसकी रेंज 0 से 10 वोल्ट है। इसका मतलब एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना है जो कि आपका अप टू 10 वोल्ट तक ये मेजर कर सके। तो बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे ये आपका गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 15 ओम है, इसके सीरीज में आपने एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसके थ्रू मैक्सिमम करंट आईजी पास कर रहा है, और इस आईजी पे जो कि आपका 5 मिली एंपियर उस पे जब पास करेगा इस गैल्वेनोमीटर से, तो उस केस में इसके क्रॉस का वोल्टेज 10 वोल्ट होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो V इक्वल टू IG इंटू 15 + R, बहुत आसान है, 15 और R सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 15 + R इंटू करंट IG, इट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। और डेफिनेटली जब IG की वैल्यू 5 मिली एंपियर होगी तो उस केस में V की वैल्यू 10 वोल्ट होगी। IG की जगह पे 5 मिली एंपियर 5 × 10⁻³ प्लेस किया तो और 15 + R रहेगा ही रहेगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 15 + R की वैल्यू होगी 2000 ओम, हेंस R विल कम आउट 1985 ओम, और इससे 1.985 × 10³ ओम, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 4। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, राइट। तो इट्स अ रियली रियली इजी प्रॉब्लम, राइट। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है और एक करंट उसमें फ्लो कर रहा है, ये इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन द फिगर। तो ये आपका करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका यहाँ पे लीनियर आप देख रहे हैं, करंट टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। ये करंट आई यहाँ पे 10 एम्पियर है, टाइम 0.5 सेकंड है, राइट। अब क्वेश्चन कहा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द क्वाइल बताना है। तो अब की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जो कि I इक्वल टू होता है 1/R dΦ/dt। तो मुझे डी फाई निकालना है, दैट मीन्स डेल्टा फाई निकालना है। तो मैं डेल्टा फाई क्या लिखूंगा, I dt × R, दैट मीन्स I इक्वल टू 1/R dΦ/dt, dΦ का इंटीग्रल विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू RIdt का इंटीग्रल। अब यहाँ पे ये की पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है, अब इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीन एरिया है। तो मैं यदि IdT निकालना चाहता हूं तो दो तरीका, एक तो आप क्या करेंगे I वर्सेस t का जो है रिलेशन लिखेंगे और उसका इंटीग्रेट करेंगे, जो कि काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बजाय डायरेक्टली आप एरिया का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि यदि आपको IdT इंटीग्रल निकालना है तो इंटीग्रल इज नथिंग बट इट इज द एरिया। तो इसका एरिया ले लीजिए, आई वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो ये एरिया होगा, दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन ऑफ IdT फ्रॉम 0 to 0.5, राइट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस 0.5 सेकंड, हाइट 10 एम्पियर है, उसको लिखा आपने, इसकी वैल्यू आ गई IdT के इंटीग्रल की, रेजिस्टेंस R 100 ओम प्रॉब्लम में दे रखा है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपके पास 250 वेबर आ जाएगा। दैट मींस द चेंज इन फ्लक्स विल बी 250 वेबर। आसान प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, डिफिकल्टी तब हो सकती है जब I और T का एक बार रिलेशन निकाल के फिर उसे इंटीग्रेट करें, देन इट्स अ रियली टेडियस प्रोसेस, उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आपको। सिंपल सी बात है,
इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया और राइट तो वो की एक पॉइंट है जिसके थ्रू आप जल्दी वर्कआउट कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से कई स्टूडेंट्स ऐसे ही करे होंगे और ऐसे इन्फेक्ट करना चाहिए आपको। तो ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये मिडिल लेवल में आसान प्रॉब्लम में डालूंगा इसे। इट्स एन इजी प्रॉब्लम, आसान सा प्रॉब्लम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डायरेक्ट एप्लीकेशन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे जेई मेन के नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस साल एपियर हुआ था। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम कहा गया कि द टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम, एक रूम है जो खुला हुआ है जिसकी वॉल्यूम 30 क्यूबिक मीटर है, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर गई, इंक्रीजेज फ्रॉम 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू हीटिंग प्रोसेस, जो सन की वजह से जो आपका है उसकी वजह से ऐसा हो गया कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर गया। एटमोस्फेरिक प्रेशर रूम का वही रहेगा 1 × 10^5 पास्कल। अब कहा गया कि इफ एन आई एंड एन एफ आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रूम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग, एन आई एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एन एफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कहा गया कि एन एफ माइनस एन आई बताइए। अब मैं पहले सबसे पहले इसको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। सिंपल सी बात है, आप यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हैं तो पी बी इक्वल टू एन आर टी यूज करेंगे ना, उससे नंबर ऑफ मोल्स आएगा, वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है बेसिकली एन बाय एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आप पी बी इक्वल टू एन आर टी यूज किया, एन की जगह पे एन बाय एन ए डाला, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया आपका एट द प्रेशर पी वॉल्यूम बी एंड टेम्परेचर टी विल बी इक्वल टू पी वी एन ए डिवाइड बाय आर टी, राइट। अब इसके बेसिस पे देखिए कि कैसे एलिमिनेशन प्रोसेस हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा, तो आंसर डेफिनेटली निगेटिव होगा, एन एफ माइनस एन आई। तो यदि एन एफ माइनस एन आई निगेटिव होगा तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, जस्ट द ऑप्शन विल बी थर्ड एंड फोर्थ। अब पॉइंट आप देखिए यहाँ पे थर्ड में ऑर्डर 10^25 का है, फोर्थ में ऑर्डर 10^23 का है। अब ध्यान दीजिए एन ए की वैल्यू 10^23 है, ऑर्डर होती है 6.02 × 10^23 होती है, प्रेशर 10^5 का है, और यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं दे रखा है जिसकी वजह से फैक्टर काफी ज्यादा रिड्यूस कर जाएगा, 10 के ऊपर का जो पावर काफी ज्यादा रिड्यूस कर जाएगा। वैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपका एन का जो ऑर्डर होगा 10^28 होगा, राइट। तो उसके बेसिस पे मेरे हिसाब से जो ऑर्डर बनेगा नियर अबाउट 10^25 का ही बनेगा, मेरी बात समझे। यहाँ पे यदि आप कैलकुलेशन पूरा नहीं करेंगे तब भी आपका आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बात किया है कि एन एफ माइनस एन आई निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका बेसिकली बढ़ रहा है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली कम होगा, उसके बेसिस पे एन एफ माइनस एन आई जो होगा आपका निगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे थर्ड या फोर्थ होगा। अब थर्ड में 10^25 है, फोर्थ में 10^23 है, बहुत बेसिक बात है, ध्यान दीजिए एन ए 6.02 × 10^23 है, तो 10^23 तो रहना ही रहना है, और उससे ऊपर का ही ऑर्डर रहेगा, तो उसके ऊपर का जो पावर होगा 10 के ऊपर का पावर केवल ऑप्शन थर्ड में ही दिख रहा है, चौथे में नहीं दिख रहा है, तो दैट विल द करेक्ट आंसर विल बी 3। इस बेसिस पे आप कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, मेरी बात आप समझे, अदरवाइज कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ गए तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम लेंदी पड़ जाएगा। यदि आप इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो उसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम हार्डली 30 सेकंड में कर सकते हैं बाय डूइंग ओनली टू थिंग्स, वन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली टेम्परेचर के बढ़ने के साथ घट रही है, उसके हिसाब से एन एफ माइनस एन आई निगेटिव होगा। यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्डर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो डेफिनेटली 10^23 का तो ऑर्डर बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर 10^5 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 × 10^23 होती है, तो उसके हिसाब से ऑर्डर 10^28 पहुंच रहा है। वॉल्यूम ऑफ द जो आपका रूम है वो 30 क्यूबिक मीटर है, तो और नीचे जो टेम्परेचर का ऑर्डर है वो 300 के केल्विन के आसपास है, तो कभी भी आपका 10^23 तो हो ही नहीं सकता है, तो दैट वे द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। अब एग्जैक्ट अप्रोच मैं आपको बता देता हूं, एग्जैक्ट अप्रोच में एन एफ माइनस एन आई लिखेंगे तो पी वी एन ए डिवाइडेड बाय आर टी एफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द फाइनल टेम्परेचर, तो आप ये लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द इनिशियल टेम्परेचर, तो पी वी एन ए बाय आर टी आई, क्योंकि प्रेशर वही रहेगा
प्रेशर रिमेन सेम, वॉल्यूम कंटेनर का या हम लोग कहें कि रूम का वो तो चेंज कर ही नहीं रहा है, 30 क्यूबिक मीटर ये तो इसलिए वही रहेगा। आर आपका गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एनए वही है 6.02 × 10²³, तो केवल एक ही चीज चेंज कर रहा है, दैट इज द टेम्परेचर फाइनल एंड टेम्परेचर इनिशियल। अब पी भी एन ए बाय आर को कॉमन लेंगे, 1/Tf − 1/Ti लिख दिया, प्रेशर की जगह पे 10^5 पास्कल डाला, वॉल्यूम 30 क्यूबिक मीटर, एन ए 6.02 × 10²³, आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन जो होता है वो प्लेस कर दिया हमने। और ये भी कि आर की वैल्यू कौन सी प्लेस करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम अगर ऐसा यूनिट में है तो आर की वैल्यू भी आपकी 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन रखी जाएगी, ना कि 0.0821। यहाँ पे भी आप गलती कर जाते हैं, आर की वैल्यू कौन सी यूज करनी है वो डिपेंड करता है प्रेशर वॉल्यूम वगैरह का यूनिट क्या है, उसके बेसिस पे आर का हम लोग यूज करते हैं, राइट। फाइनल टेम्परेचर 300 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर 290 केल्विन, इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन 3। आपको डेफिनेटली इसका आंसर 2 − 2.5 × 10²² आएगा, लेकिन आप इतना कैलकुलेट करने के बजाय आप इस क्वेश्चन को चाहें तो विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, केवल इस बेसिस पे कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगी वो घट रही है, तो ऑप्शन आपका थर्ड या फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर डेफिनेटली 10²³ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेशर ही 10^5 पास्कल है, तो डेफिनेटली जो ऑर्डर बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का 10²² का ऑर्डर होगा, और वॉल्यूम ऑफ द रूम जो है 30 क्यूबिक मीटर है, दैट वे द करेक्ट आंसर विल बी 3 विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनीथिंग, राइट। तो मैं ये अप्रोच आपको बताया हूं, जिससे कि मैं आपको कहूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही करना चाहिए। हाँ, यदि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आ जाता तब आप ऐसे कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम आपका कैलकुलेशन बेस्ड है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट के ऊपर कि ये प्रॉब्लम को कैलकुलेशन से करके करेगा या कंसेप्चुअल मैंने जो आपको बताया उसके हिसाब से करेगा। यदि कंसेप्चुअल आप तरीके से आप करते हैं तो ये प्रॉब्लम आप 30 सेकंड में कर देंगे, नॉट मोर देन 30 सेकंड ये प्रॉब्लम लेगा आपका, राइट। और इस प्रॉब्लम के लेवल की बात करें तो ये प्रॉब्लम मैं मिडिल लेवल पे रखूंगा, टफ नहीं है प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, टफ नहीं है, और ये कहूंगी बहुत ही आसान है वो भी नहीं है। यहाँ पे एक अपने आप में एक नए तरह का प्रॉब्लम जेईई मेन वालों ने प्लेस किया है, राइट। तो ये प्रॉब्लम आप समझ लीजिए कि इजी आसान से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आसान से थोड़ा सा डिफिकल्ट, आसान से ऊपर के लेवल को आप ले लीजिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जेईई मेन का जो इस साल का पेपर है उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपका बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है जिसको एक्सेलरेट किया गया बाय द पोटेंशियल डिफरेंस वी, और फिर उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक मेटालिक टारगेट से कोलाइड कराया जाता है, जिससे कि यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस होती है। अब कहा गया कि इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस एक्सरे एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो उसी के ऊपर बात हुई है। अब कहा गया कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड इफ लैम्डा मिनिमम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इन द स्पेक्ट्रम, देन द वेरिएशन ऑफ लॉग लैम्डा मिनिमम, लॉग लैम्डा मिनिमम का वेरिएशन देखना है विद द लॉग वी, राइट। ये ग्राफ बनाना है हमें। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहली बात, बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा मिनिमम जो होती है एच सी डिवाइड बाई ई वी होती है। लैम्डा मिनिमम, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू एस सी बाई ई वी, वी द पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड। तो इस रिलेशन के हिसाब से देखेंगे कि वी यदि बढ़ेगा तो लैम्डा मिनिमम घटेगा, राइट। तो ये बेसिक बात है, और यदि वी बढ़ेगा तो लॉग वी भी बढ़ेगा, और लॉग वी बढ़ेगा तो लॉग लैम्डा मिनिमम घटेगा। यदि मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो देखिए पहला वाला ग्राफ में क्या हो रहा है कि लॉग वी बढ़ रहा है, लॉग लैम्डा मिनिमम बढ़ रहा है प्रोपोर्शनल में, तो ये तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, इसका तो जो करेक्ट ग्राफ रह गया केवल फोर्थ ही रह गया। केवल इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, और सीधे आप ऑप्शन फोर्थ लगा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब एक बिल्कुल कंसेप्चुअल अप्रोच के ऊपर बात करें तो हमारा कंसेप्चुअल अप्रोच ये कहता है कि भाई कि यदि लॉग लैम्डा मिनिमम वर्सेस लॉग बी का यदि आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो दोनों के बीच रिलेशन निकालना पड़ेगा। बिना रिलेशन निकाले तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का जब रिलेशन निकाल लेते फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमारा पर्पस क्या होगा कि दोनों के बीच में क्या निकालना, रिलेशन निकालना। यदि आप दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हो तो उस केस में हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एस सी बाई ई वी, और टेक लॉग बोथ साइड, लॉग लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू लॉग एस सी बाई ई वी। चूंकि एच सी ई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो आप इसको समझ लीजिए कि एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो और ये नीचे वी रह गया है, एस सी डिवाइड बाई ई ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, और यहाँ पे वी है,
क्योंकि हमारे को log lambda minimum versus log b का relation चाहिए, तो मैं इसको according to the logarithm properties लिख सकता हूं, log sc by e minus log b, ये तो लिखा जा सकता है, right? अब हमारे पास log lambda minimum versus log b का relation आ गया। अब ध्यान दीजिए, जिस दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाया जाता है उसमें देखिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस पे, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, log lambda minimum y एक्सिस पे दे रखा है, log v यहाँ पे x एक्सिस पे है, तो log lambda minimum को आप y से रिप्लेस करेंगे, ये क्वांटिटी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को आप सी डैश ले लीजिए, ये मैं सी डैश ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो सी के साथ, ये log sc by e एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको मैंने सी डैश ले लिया, और log v को x एक्सिस पे आना है तो log v को मैं रिप्लेस कर दिया x से, तो रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन log lambda minimum versus log v, इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द रिलेशन इज एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ y एंड x इज y इक्वल टू माइनस x प्लस c डैश, जब y एंड x का रिलेशन ले आते हैं तो इससे आप मैथमेटिकली जो है बड़े आराम से बता सकते हैं कि कैसा ग्राफ हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है y इक्वल टू माइनस x प्लस c डैश ये बता रहा है कि द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप, और ऑब्वियस बात है एक ही ग्राफ ऐसा है जो कि यहां पे स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ है और चौथा, इसलिए करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया, राइट ये तो बिल्कुल मैंने जो आपको बताया बिल्कुल यूजुअल अप्रोच जो होना चाहिए कंसेप्चुअल अप्रोच उसके थ्रू बताया, लेकिन जो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई फोर्थ ऑप्शन कैसे लगा के आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कि लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एस सी बाई ई भी होता है, क्योंकि वी के बढ़ने से लैम्डा मिनिमम यहाँ पे क्या करेगा घटेगा, तो वी बढ़ेगा लैम्डा मिनिमम घटेगा, लॉग भी बढ़ेगा तो लॉग लैम्डा मिनिमम भी घटेगा, उसके बेसिस पे केवल फोर्थ ऑप्शन है जो कि आप करेक्ट करके आएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दो तरीके बताए, एक तो बिल्कुल कंसेप्चुअल अप्रोच और एक शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे ग्राफ को एलिमिनेट करके करेक्ट ग्राफ पे पहुंचेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट, तो आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला वाला जो अप्रोच मैंने बताया है उसी के हिसाब से चलना है आपको, बट कंसेप्चुअल अप्रोच भी आपको ध्यान में रहना चाहिए ताकि आप पूरी बात पूरे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझ सकें, राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, अब आगे और कुछ प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करता हूं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि जेई मेन 2017 में अपीयर हुआ था, और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक एक्सटर्नल प्रेशर पी को अप्लाई किया गया ऑन अ क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सपोज आप एक क्यूब लेते हैं और क्यूब को चारों तरफ से दबा देते हैं, इक्वल प्रेशर डाल देते हैं, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, स्लाइटली कम हो जाती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर, जो कि हमें पता है कि फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो हम लोग देखते हैं वहां पे, राइट। अब यहाँ पे जिसकी वजह से इक्वली कंप्रेस कर दिया गया फ्रॉम ऑल साइड्स, K is the bulk modulus of elasticity of the material of the cube, और alpha जो है coefficient of linear expansion है इस material की। अब कहा गया suppose we want to bring the cube to its original size by heating, मैं heat गर्म करके उसे एक original size पे लाना चाहता हूं, तो कहा जा रहा है कि the temperature कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा, right? ये problem है आपके सामने। अब देखिए सबसे पहले इसकी practically implication देखते हैं, practical है क्या। आप एक क्यूब लेते हैं, क्यूब को चारों तरफ से प्रेशर डाल दीजिए, ठीक है। प्रेशर आपने डाला तो स्लाइटली वॉल्यूम क्या करेगी उसकी, रिड्यूस कर जाती है। यदि मैं टेम्परेचर राइज करता हूं तो हमें पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट यहां पे लगेंगे, ध्यान देने वाली बात है। एक तो क्या कि प्रेशर के एप्लीकेशन से वॉल्यूम कितना रिड्यूस हुई, दूसरा वॉल्यूम जितना रिड्यूस हो रही है वो टेम्परेचर की वजह से कितनी बढ़ गई, और दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे उससे हमारा काम हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे इस प्रॉब्लम में, एक तो बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी का, जो आपका यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डीबी बाय वी, जो कि आपने हुक्स लॉ में करा होगा, जो आपका यहाँ पे सॉलिड का जो चैप्टर उसके अंदर होता है कि डीपी विल बी इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर जो हमने लगाया दैट विल बी इक्वल टू माइनस के डीबी बाय वी। तो पहला कॉन्सेप्ट ये लग गया कि डीपी विल बी इक्वल टू माइनस के डीबी बाय वी। dV by V is the fractional change in volume due to the application of the excess pressure. Minus sign क्यों दिया गया? क्योंकि आपको पता ही कि यदि मैं excess pressure लगाता हूं तो यहाँ पे क्या होता है कि pressure basically लगने से उसकी जो dimension है वो reduce कर जाती है, volume reduce कर जाती है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब दूसरी बात और देखिए यहाँ पे, जो कि आपको पता ही है कि coefficient of वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर जो होता है डीबी बाई वी इक्वल टू गामा डीटी होता है।
क्योंकि कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो डेफिनेशन है वो आपका है 1 बाय वी डीवी बाय डीटी। तो यदि 1 बाय वी डीवी बाय डीटी है तो डीवी बाय वी किसके इक्वल हो गया, गामा डीटी के। हमें पता है यहाँ पे कि गामा 3 अल्फा के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि हमें ये एक सॉलिड मटेरियल हो और यदि कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दे रखी होती है तो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 अल्फा के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर बाय डीटी व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू 3 अल्फा डीटी। एक बात तो ये हो गई। अब जितना फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो है एक्सेस प्रेशर की वजह से हुआ है वही सेम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो हो जाना चाहिए वो टेम्परेचर के राइज करने की वजह से हो जाना चाहिए। अब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डीबी बाई वी जिसको मैंने मॉड में ले रखा है, दैट विल इक्वल टू पी बाई के। इस कॉन्सेप्ट से मॉड में इसलिए ले रखा है क्योंकि हमें मीनिंग तो माइनस का पता चल ही गया कि क्या मतलब है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम due to the excess pressure that will be equal to p by k from this concept this p by k will be equal to 3 alpha dt kyunki jitna hi fractional change in volume mujhe karana hai temperature ko rise kara karke a change in temperature kitna hai t hai yahan pe kyunki initial temperature 0 degree centigrade hai so that way 3 alpha t and hence t will be equal to p upon 3 alpha k। इस तरीके से यहाँ पे ये प्रॉब्लम को हम लोग वर्कआउट करेंगे। दैट मीन्स टेम्परेचर जो हमें बढ़ाना पड़ेगा वो P बाय 3 अल्फा के तक बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि जितना वॉल्यूम रिड्यूस हुई है ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर वो आपका टेम्परेचर के राइज करने से उतना ही हो जाए जितना ओरिजिनल था, राइट। तो ये चीज है। तो इस तरीके से द करेक्ट आंसर विल बी इनफैक्ट यहाँ पे 4 होगा, पी अपॉन 3 अल्फा के। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, यदि आप ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस से यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उससे भी किया जा सकता है, बट आप दो ऑप्शन पे आ पाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको पूछा गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अच्छा, प्रेशर और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का जो आपका यूनिट होता है वो सेम होता है, बहुत बेसिक बात है, आप समझ सकते हैं। प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो होता है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन पी बाय अल्फा के, तो पी और के दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन सेम है, तो अल्फा का यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका यूनिट आ गया डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब पॉसिबल आंसर 1 होगा। लेकिन पॉसिबल आंसर 2 हो ही नहीं सकता है क्योंकि ऊपर अल्फा पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 2 तो वैसे ही नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड डायमेंशन मेथड। सेकंड और थर्ड ऑप्शन यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिस पे आपका एलिमिनेट हो गया, तो आंसर या तो पहला होगा या चौथा होगा, फर्स्ट या फोर्थ। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई कि यूनिट एंड डायमेंशन मेथड से यदि मैं इसको प्रोसीड करता हूं तो मैं कम से कम दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके मेरे पास फाइनल जो है आंसर पहला और चौथा रह गया। यूजुअल अप्रोच तो एक है ही, सपोज मैं यदि इस क्वेश्चन को देखता ना तो सबसे पहले मैं यूनिट एंड डायमेंशन से देखता, और यदि यूनिट एंड डायमेंशन से मैं डायरेक्टली एक आंसर पे आ जाता, सिंगल आंसर पे आ जाता, तो मैं यूजुअल अप्रोच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो नहीं करता, राइट। तो ये वाली बात है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि कैसे यहाँ पे वर्कआउट किया जाएगा, राइट। अब इस प्रॉब्लम का जो मैं कह सकता हूँ लेवल जो है, मैं समझता हूँ इस प्रॉब्लम का जो है मिडिल लेवल का प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बच्चे कम करते हैं, स्टूडेंट्स के पास इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इन जनरल कम होते हैं, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की जो यूटिलिटी है बहुत ही ज्यादा जो है अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं जो प्लेस कर सकता हूँ दैट विल बी द इन द मिडिल लेवल, राइट। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे जेई मेन के नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि इस साल एपियर हुआ था, और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम हमारा ये कह रहा है कि भाई कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी मास m है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी मास m है, लेंथ l है, और ये इस एंड पे पिवोटेड है, और इस एंड के अबाउट इससे पास करता हुआ जो एक्सिस है इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। ये दे रखा है कि मास एंड लेंथ है, इट पिवोटेड एट वन एंड एंड इट कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन में रोटेट कर सकता है। देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एट द पिवोट, मैं फ्रिक्शन लिखा नहीं हूं, हालांकि यहाँ पे नेग्लिजिबल फ्रिक्शन लिखा हुआ है प्रॉब्लम में, तो मैं ये लिखा नहीं हूं, तो नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एट द पिवोट, द फ्री एंड इज हेड वर्टिकल एंड अबव द पिवोट इज रिलीज्ड, the angular extension of the rod when it makes an angle of theta with the vertical। मतलब सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम कर रहा है वो ये है, देखिए ये चौक है, ठीक है, मैं इस एंड पे पिवोट कर रखा हूं और ये इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, यही है बेसिक बात, यही है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है रोटेट कर रहा है, तो यही कह रहा है कि भाई कि जब ये एंगल थीटा बना लेगा, जब इस वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बन जाए तो उस केस में इसकी एंगुलर एक्सटेंशन क्या होगी। ये प्रॉब्लम प्योरली जो रोटेशन मोशन का है, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे
कि इस पॉइंट की वो टॉर्क लेंगे। मैंने यहाँ पे एफबीडी बना रखा है और इस एफबीडी में मैंने केवल वेट एमजी दिखा रखा है, हालांकि यहाँ पे पॉइंट वो जहां से पिवोट है वहां पे भी फोर्सेस लगेगा, लेकिन मैं वो दिखाया नहीं हूँ। क्यों नहीं दिखाया हूँ? क्योंकि इसकी इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यदि हम लोग यहाँ पे पॉइंट ओ के अबाउट इस पॉइंट पर टॉर्क लेते हैं तो उस फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने वो फोर्सेस नहीं दिखाया। और केवल यहाँ पे टॉर्क जो होएगा जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन आएगी वो एमजी का टॉर्क होगा, डैट एमजी का टॉर्क विल बी इक्वल टू आई अल्फा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू आई अल्फा। आई इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का होगा, ml square by 3 होगा, because this is the axis which will pass through the point O and perpendicular to the length of the rod, इसलिए I की जगह पे ml square by 3 और ये अल्फा आएगा। अब हमारे को यहाँ पे इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लेना है, तो टॉर्क यहाँ पे केवल वेट mg का होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि यदि आप mg का टॉर्क निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट O से इस mg के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। समझिए बात को, हम लोग जब भी किसी फोर्स का टॉर्क लेते हैं तो क्या करते हैं, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट अबाउट व्हिच द टॉर्क विल बी कैलकुलेटेड। तो जब आप यहां से ये लेंथ एल बाय टू है, क्योंकि mg को जो लगाएंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई करेंगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास इस रॉड का कोइंसाइड करेगा, चूंकि रॉड यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो इसलिए सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे जो होगा ये इसके मिड पॉइंट पे होगा जो कि यहाँ से एल बाय टू पे है। तो इससे जब आप इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे mg के लाइन ऑफ एक्शन पे, ये mg का लाइन ऑफ एक्शन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू l बाय 2 sin थीटा। तो mg इनटू l बाय 2 sin थीटा, दिस mg l बाय 2 sin थीटा विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 इनटू अल्फा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट लग गया, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा आ गया सिंपल से बात 3g बाय 12 sin थीटा एंड हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 4। तो इस तरीके से यहां पे पॉइंट o के अबाउट जो इस रॉड की एक्सेलरेशन होएगी जबकि एंगल थीटा वर्टिकल के साथ बनाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3g अपॉन 12 sin थीटा। तो यहां पे ये पॉइंट है, राइट। तो हमने इस तरीके से ये प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है, और ये प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन के बेसिक प्रॉब्लम में आता है। अब देखते हैं आगे कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये प्रॉब्लम मैं कहूंगा कि डेफिनेटली जो है एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम में है, और इसकी वजह क्या है, मतलब मिडिल लेवल के प्रॉब्लम में इसे प्लेस करूंगा, टफ प्रॉब्लम में नहीं प्लेस करूंगा, मिडिल लेवल के अच्छे प्रॉब्लम में प्लेस किया जा सकता है इसे। इसकी वजह क्या है, एक तो इसमें डी ब्रोगली वेव लेंथ के बारे में बात करी गई है, साथ में कोलिजन के ऊपर बात करी गई है। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कहा गया कि एक पार्टिकल ए है जिसकी मास एम है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी है, कोलाइड कर रहा है दूसरे पार्टिकल से जिसकी मास एम बाय 2 है जो कि इनिशियली रेस्ट में है। अब कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक है। कहा गया कि वही कि यदि पार्टिकल ए से एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव लैम्डा ए है और पार्टिकल बी से लैम्डा बी है आफ्टर द कोलिजन, तो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी की वैल्यू पूछी गई है। तो बहुत ही आसान सही बात है कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, तो हमारे को एच अपॉन एम इंटू वी ए, दिस वाज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ए आफ्टर द कोलिजन, जहां पे वी ए उसकी जो होगी आफ्टर द कोलिजन स्पीड हो जाएगी या कहें वेलोसिटी हो जाएगी। उसी तरह से लैम्डा बी क्या लिखेंगे, एच अपॉन एम बाय 2, क्योंकि पार्टिकल बी की मास m by 2 है इनटू vb। अब दोनों का जब रेशियो लेंगे तो दिस रेशियो विल कम आउट vb डिवाइडेड ट्वाइस ऑफ va, तो ये आपका रेशियो आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो कि पॉइंट ऑफ कंसर्न यहां पे है, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है यहां पे कि द रेशियो विल कम आउट एक्चुअली vb डिवाइडेड ट्वाइस ऑफ va, तो ये आपका रेशियो आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब मेरे को जरूरत है वीबी और वीए निकालने का, तो वीबी और वीए कैसे निकलेगा ये देखिए आप। यहाँ पे वीबी वीए निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, पार्टिकल ए पार्टिकल बी, कोलिजन के पहले ये सिचुएशन है, पार्टिकल ए वी से चल रहा है जिसकी मास एम है, इसकी मास एम बाय 2 है, आफ्टर द कोलिजन इसकी वीए हो गई है, इसकी वीबी हो गई है। तो वीए वीबी चाहिए तो दो वेरिएबल की जरूरत है, तो दो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। पहला कॉन्सेप्ट लगाएंगे डायरेक्टली कोलिजन में होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम जो होगा कोलिजन के पहले दिख रहा है एम बी है, कोलिजन के बाद एम इंटू बी ए प्लस एम बाई 2 इंटू बीबी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट बी ए प्लस 1 बाई 2 बीबी विल बी इक्वल टू वी, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगला इक्वेशन जो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, अब स्मार्टली काम करना है, कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस यूज कीजिए ना कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यदि उसके चक्कर में पड़ गए तब तो प्रॉब्लम विल बिकम लेंथी, राइट। तो कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है इलास्टिक कोलिजन में इक्वल टू 1 होता है, दैट विल बी इक्वल टू v2 - v1 / u1 - u2। तो vb - va
डिवाइडेड बाय यू वन माइनस यू टू, तो वी माइनस जीरो, तो वी बी माइनस बी इक्वल टू वी आ गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो वहां से वी और बीबी की वैल्यू आ जाएगी। वी की वैल्यू बी बाई थ्री आ गई, बीबी की वैल्यू फोर बी बाई थ्री आ गई। इन दोनों को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, देन आपके पास जो आएगा लैम्डा ए बाई लैम्डा बी, दैट विल कम आउट टू, दैट विल द करेक्ट आंसर विल बी वन। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मैं कहूंगा कि ये प्रॉब्लम जो है मिडिल लेवल के में रखा जाएगा, ना तो टफ प्रॉब्लम है ना इजी प्रॉब्लम है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। दो कॉन्सेप्ट, दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ प्रेसिशन यूज हो रहा है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज हो रहा है, ये तो है ही। और जो की पॉइंट है जहां पे जनरली स्टूडेंट्स जो है यूज नहीं करेंगे, वो कोएफिशिएंट ऑफ प्रेसिशन यूज नहीं करेंगे, और इस प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से करने का, तो जो कि करा ही जा सकता है। बट पॉइंट वहां पे ये है कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब आप लगाएंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ m by 2 into bb square, अब वहां पे कैलकुलेशन आपकी लेंदी हो जाएगी, बस ये वाला बात है, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच मेरे ख्याल से यही रहेगा जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक ये प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस किया, आगे और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है जो कि मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं, हालांकि उसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, वो क्योंकि ग्राफिकल प्रॉब्लम है, तो मैं डायरेक्टली डिस्कस कर देता हूँ और ये ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ये कहा गया कि एक पार्टिकल है जो SHM में है और इसकी टाइम पीरियड यहाँ पे टी के इक्वल है, और पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे ये अपने पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है, डेट मीन मीन पोजिशन में है। जब पार्टिकल मीन पोजिशन पे होता है SHM में, तो उसमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या कहीं स्पीड सबसे ज्यादा होती है, मैक्स स्पीड होती है, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, मेन की पॉइंट इसका यही है, जिसके बेसिस पे आप ग्राफ को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। तो मेन की पॉइंट है कि पार्टिकल की दो ऑप्शन बड़े आराम से एलिमिनेट हो जाएगा उसमें से, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है इस ओरिजिन से पास कर रहा है टी इक्वल टू जीरो पे, तो ग्राफ एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा टी आएगा, काइनेटिक एनर्जी ये होएगी। अब इसका ग्राफ एक्चुअली cos स्क्वायर थीटा का बनेगा, t इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्स होगी और इस तरीके से ग्राफ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे t इक्वल टू t बाय 4 पे, क्योंकि जब यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू करेगा तो यहाँ पे t बाय 4 पे पहुंचेगा, और t बाय 4 पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली जीरो। इसलिए t बाय 4 पे काइनेटिक एनर्जी जीरो दिखाया जाएगा, ना कि t बाय 2 टाइम पे। तो उसमें एक ऑप्शन है जिसमें t बाय 2 टाइम पे काइनेटिक एनर्जी को जीरो दिखाया गया है, तो डेफिनेटली वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप ग्राफ को इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं कायदे से करके दिखाया हूं आपको कि ऐसे ऐसे करना है। सिंपल सी बात है, दो बातें हैं यहाँ पे जिसके थ्रू आप ग्राफ को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन में से। पहली बात, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे टी इक्वल जीरो पे मीन पोजिशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी एट टी इक्वल जीरो पे मैक्स होगा, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ऑन दिस बेसिस दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। फिर ये दो ऑप्शन में जो रह जाएंगे उसको कैसे देखना है वहां पे फटाफट एलिमिनेशन के लिए, कि देखिए t इक्वल टू t बाय 4 पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ना कि t बाय 2 टाइम पे, क्योंकि t बाय 2 टाइम पे तो पार्टिकल दोबारा मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी। तो उसी बेसिस पे आप ग्राफ को यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं, राइट। और कायदे से जो काम होते हैं, कंसेप्चुअल तरीके से जो काम होगी वो यही होगी कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा, क्योंकि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, डिफरेंशिएट कीजिएगा काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा, और इसके बाद cos स्क्वायर ओमेगा टी का करेक्ट ग्राफ यही बनेगा। अब मैं एक टेक्निकल सी बात बताता हूँ जो कि जेई मेन वालों ने कराया, उन्होंने क्या किया एक्चुअली यहाँ पे ग्राफ जो होगा स्मूथ होगा, उन्होंने वहां पे किंक कॉर्नर बना दिया है। जितने भी ग्राफ हैं जब आप क्वेश्चन में देखेंगे सब जगह पे कॉर्नर सा बनाया गया है। कॉर्नर बनने का मतलब है कि मैथमेटिकली द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, लेकिन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो ग्राफ है वो वहां पे डिफरेंशिएबल होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो मतलब टेक्निकल है ग्राफ में, टेक्निकल डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट यही है कि ग्राफ हर जगह पे ऐसे बना दिया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक ग्राफ बना के भी, ग्राफ इस तरीके से बनाया गया हर जगह पे, देखेंगे ऑप्शन। तो जब इस तरीके से ग्राफ बना दिया जाएगा तो इट्स अ टेक्निकल मिस्टेक, ग्राफिकल मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे जब कॉर्नर बन गई है तो उसके हिसाब से बेसिकली वो फंक्शन उस जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत ही माइनर सा, मैं कहूंगा मिस्टेक तो ही, बहुत ही माइनर सा मिस्टेक है, इसलिए मैं इसलिए आपको बता दिया ताकि ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली आप ऐसे बना के देखेंगे, राइट।
तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया। आइंस्टाइन क्लासेस जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंप्लीट हेल्प करेगा जेई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें कि कई सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आईआईटी जेई मेन एडवांस फिजिक्स का आप देख सकते हैं कि जेई मेन एडवांस क्रैश कोर्स, जिसमें कि अभी तक 8 चैप्टर को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट। इसको जरूर से आप थोरली देखिए और इसका काफी आप इससे आपको काफी मदद मिलेगा। फिर इसका जे एडवांस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोप एस सी वर्मा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसका, जिसमें कि 73 टोटल लेक्चर्स हैं, इसका आप हेल्प लीजिए। जे मेन एडवांस फिजिक्स ट्रिक्स का है ये लेक्चर, इसमें काफी सारे 23 ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हैं और इसका यूज करके आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इरोडोप सॉल्यूशन है, जिसमें कि 43 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इरोडोप के हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेके। फिर इसके यहाँ पे सो मोर करिएगा तो और भी आ जाएगा, एस सी वर्मा के मिल जाएंगे। जेई मेन एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, हालांकि आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेई मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स इन फिजिक्स, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, रोटेशन रोलिंग मोशन के 12 लेक्चर्स हैं, राइट। इसका नीचे आ जाते हैं, देखिए ये मैथ्स से रिलेटेड है, आप इसका ही पूरा आप देख सकते हैं। ये सारा आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जेई मेन में के लिए आपका ये सारे लेक्चर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है एक आइंस्टाइन क्लासेस का साइट भी है, जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे einsteinclasses.com का ये साइट है, जहाँ पे आप जा करके जेई मेन का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, देखिए यहाँ पे जेई मेन और आईआईटी जेई दो है, जेई मेन का आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसमें देखिए अब इसमें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर्स ये सारे हैं, जैसे काइनेमेटिक्स का खोलिएगा सिलेबस लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का, इसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट्स है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, देन इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। देन इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताई गई है ब्रीफली, क्या कॉन्सेप्ट है, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारी साइट पे जा करके आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। देन इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर है उसके अंदर हमने हर चैप्टर को इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, ब्रीफली कॉन्सेप्ट लिखी गई है, फिर उसके नीचे ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एंड देन इसके बाद आगे देखिए आप इसी तरीके से देखिए मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, फिर उसके नीचे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से पूरी चैप्टर को कवर अप किया सारे चैप्टर को। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनिशियल स्टेप एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज है जो कि आपके जेई मेन में एडवांस में आता रहता है, राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा, जैसे इसमें आपके इनिशियल स्टेप में करीबन आप 15 क्वेश्चन, इसमें जो है 17 क्वेश्चन है, फिर फाइनल स्टेप एक्सरसाइज थोड़ा टफर लेवल के प्रॉब्लम जो जेई मेन में आते हैं, बट ये कंप्लीट जेई मेन को कवर अप अच्छे से करता है और इनफैक्ट जेई एडवांस की भी तैयारी आपको अच्छे से करा देगा ये पूरा स्टडी मटेरियल। फिर AI ट्रिपल एनालिसिस, मतलब जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, ये 2007 तक हमने प्लेस कर रखा है। फिर टेस्ट योरसेल्फ, फिर 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है, नीचे आंसर्स हैं, इसमें सॉल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पूरा ये एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के इस तरीके से हर चैप्टर का इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूँ। देखिएगा आप यहाँ पे डायनामिक्स रोटेशन मोशन इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर हो गए, फिर मैथ्स के चैप्टर भी साथ आपको मिल जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेगा, ये सारे 2014-2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। फिर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जिससे ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसका हेल्प लेकर 6 टेस्ट पेपर्स हैं जिसका है, आप घर पे फुल टेस्ट आप दे सकते हैं, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एक तो ये बात है, फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए IITJ के लिए भी ऐसा पूरा ही स्टडी मटेरियल डेवलप कर रखा है अपने साइट पे, वहाँ पे जा करके देखिए फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट देन फाइनल रिवीजन, तो इसका पूरा आप हेल्प ले सकते हैं सारे चैप्टर्स का। और साइट हमारी काफ़ी प्लेन साइट है, और जा करके स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और उसका हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप किस तरह से हमारे साइट को और हमारे जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे उसका यूज करके आप अपनी
आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताइए, हमारे काम के बारे में बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसका वो हेल्प ले सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले कुछ सेशन में, जिसमें भी इसी तरह से हम लोग जेईई मेन के ऊपर बात करते रहेंगे, जो कि आपका 2019 में आपका जनवरी के महीने में होने जा रहा है। राइट, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।